सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 191 विदिशा की ओर। प्रणव दा को जब पता चला कि विराज विदिशा प्रांत जाकर वहां वसु परिवार की संपत्तियों को नष्ट करना चाहता था तो प्रणव परेशान हो उठे। उन्हें विराज का ये कदम सही नहीं लग रहा था। प्रणव की चिंता को समझकर विराज ने शांत स्वर में उनसे कहा, प्रणव दा चिंता मत करिए, इस समय वसु परिवार अपने ही आंतरिक कलेशों में उलझा हुआ है। अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूं तब भी 1000 साल के बाद मिला परछाई संरक्षण समाप्त ही होने वाला है। उसके बाद बहुत से लोग होंगे जो वसु परिवार पर हमला कर देंगे। विदिशा परिवार की संपत्तियां वसु परिवार के लिए इतनी भी कीमती नहीं है कि वो इन संपत्तियों की कुर्बानी न दे। इसीलिए यदि मैं उनसे वो संपत्तियां छीन भी लेता हूं तो वो भी मुझसे बदला नहीं ले पाएंगे। ऐसा कहकर विराज के चेहरे के भाव तेजी से बदल गए। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर भींच लिया और गुस्से से कहा, और अगर उन्होंने बदला लेने की कोशिश भी की तो उन्हें इस दृष्टता के लिए उचित दंड दिया जाएगा, इसीलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। विराज की बात सुनकर प्रणव को थोड़ी घबराहट हुई और उन्होंने लाचारी के साथ कहा, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखेंगे। आप अपनी सुरक्षा की कीमत पर वसु परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपका सुरक्षित रहना वर्धन परिवार के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। विराज ने शांति से जवाब दिया, बिल्कुल प्रणोदा, मैं अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखूंगा। प्रणोदा, मैं तो इसी समय विदिशा के लिए निकल रहा हूं। आप वर्धन परिवार से कुछ लोगों को इकट्ठा करके विदिशा प्रांत आ जाइए। ऐसा कहने के बाद विराज विदिशा जाने के लिए अपनी तैयारियों में जुट गया और कुछ ही देर में सारी तैयारियां करने के बाद वो अपने घर से बाहर आ गया और स्वर्गीय रफ्तार की गति से विदिशा प्रांत की ओर उड़ चला। विराज की योजना समझकर प्रणवदा तेजी से किसी गुप्त जगह पर गए और वहां जाकर एक कोने में देखकर कहा, जहां पर गुप्त अंधेरा था, धूमिल गुप्त, तुम्हें गुप्त रूप से विराज के पीछे साये की तरह रहकर सुरक्षा करनी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, विराज को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उस कोने के अंधेरे में किसी के सिर हिलाने की हल्की आकृति उभरी और फिर वो आकृति वहां से गायब हो गई। उस आकृति को विराज की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपकर प्रणव ने राहत की सांस ली। इसके बाद प्रणव तेजी से वर्धन परिवार के मुख्य हॉल की ओर चले गए ताकि विदिशा जाने के लिए परिवार के कुछ योग्य योद्धाओं को छांटा जा सके। 2 दिन की लगातार यात्रा के बाद विराज विदिशा शहर के बाहर खड़ा था। उसके शरीर से भारी मात्रा में एनर्जी की धारा निकल रही थी। उसने कुछ समय पहले ही अपने मार्शल लेवल में बढ़ोतरी की थी, जिसकी वजह से वो अपनी आभा को छिपा नहीं पा रहा था। वो अब 5th ग्रेड मार्शल आत्मा योद्धा बन चुका था। हालांकि इस समय उसके अंदर बहने वाली एनर्जी की धारा किसी भी लिहाज से 9th ग्रेड मार्शल आत्मा योद्धा से कम नहीं थी। इसके साथ ही उसकी तलवार सार भी काफी मजबूत थी। इन सब चीजों के साथ साथ विराज की लड़ने की क्षमता में भी तेजी से इजाफा हुआ था। उसकी युद्ध करने की क्षमता इतनी बढ़ चुकी थी कि वो 5th ग्रेड मार्शल पूर्वज योद्धा तक को ढेर कर सकता था। विराज पिछली बार जब विदिशा आया था तो उसकी तुलना में उसका आत्मविश्वास आज कहीं ज्यादा था। साथ ही विदिशा प्रांत की उसकी समझ भी कहीं ज्यादा थी। उसने तुरंत अपनी यूनिवर्स रिंग से विदिशा के गुप्त पहरेदार वाला टोकन बाहर निकाला। ये टोकन विदिशा के गुप्त पहरेदारों के सेनापति अंशुमान ने उसे दिया था। उस टोकन को लेकर वो विदिशा शहर के अंदर घुस गया। विदिशा शहर के मुख्य दरवाजे पर पहरा देने वाले सिपाही ने जब विराज के हाथों में उस टोकन को देखा तो उसने विराज से बिना कुछ पूछे ही उसे अंदर जाने का रास्ता दे दिया। विदिशा शहर में दाखिल होते ही वो सीधे विदिशा के गुप्त पहरेदारों के मुख्य किले की ओर चल पड़ा। जितनी उसमें क्षमता थी, विदिशा में मौजूद वसु परिवार को नष्ट करना उसके लिए संभव तो था, लेकिन अगर वो विदिशा शहर से वसु परिवार को जड़ से नष्ट करना चाहता
तो इस कार्य के लिए उसे विदिशा के गुप्त पहरेदारों की मदद की जरूरत थी, नहीं तो इस काम को करने में उसे हद से ज्यादा समय लग जाता और विराज वसु परिवार के ऊपर अपना इतना समय अपव्यय नहीं करना चाहता था। विराज तेजी से विदिशा शहर के अंदर चलता जा रहा था। वहां चारों ओर लोग आ जा रहे थे, सभी अपने काम में व्यस्त थे। विराज को देखकर कोई नहीं पहचान पा रहा था कि यह वही लड़का था जिसकी वजह से कुछ महीनों पहले विदिशा शहर के बाहर बहुत बड़ा तमाशा हो गया था। उस समय परिमार परिवार की लड़की नितिभा ने विदिशा शहर के बाहर विराज को अपमानित किया था। आगे चलकर जब यह पता चला कि विराज विदिशा के गुप्त पहरेदारों की फौज का एक सदस्य था, तो परिमार परिवार के माफी मांगने के बाद भी नितिभा को माफी नहीं मिल सकी थी। अभी कुछ समय पहले ही मार्शल लेवल बढ़ा होने के कारण विराज के शरीर से शक्तिशाली आभा निकल रही थी, जिसकी वजह से भीड़ में हर कोई विराज से बचकर ही चल रहा था। विराज सीधे विदिशा के पहरेदारों के मुख्य किले तक पहुंच गया और रास्ते में शायद ही किसी ने मुंह उठाकर विराज की ओर देखा था। सभी लोग विराज के शरीर से निकलने वाली आभा की वजह से उसे लगातार रास्ता देते जा रहे थे। किले के बाहर पहुंचते ही विराज ने विदिशा के गुप्त पहरेदार का टोकन दिखाया और किले के अंदर दाखिल हो गया। किले के अंदर आकर वो कुछ दूरी ही चला था कि उसी समय एक युवा विद्वान विराज के पास आ गया। युवा विद्वान विदिशा के गुप्त पहरेदार की सेना के सेनापति अंशुमान के साथ कालपे सिटी के बाहर तक जा चुका था। युवा विद्वान ने विराज के पास आते ही उससे कहा, विराज एक बार फिर विदिशा के इस किले में तुम्हारा स्वागत है। इससे पहले विराज कुछ कह पाता, युवा विद्वान के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उमड़ने लगे और उसने चौंकते हुए पूछा, रुको, तुम एक फिफ्थ ग्रेड मार्शल आत्मा योद्धा बन चुके हो, मगर कैसे? ये कैसे मुमकिन है? जब हम पहली बार मिले थे उस समय तुम सिर्फ एक मार्शल मास्टर थे। क्यों, सही कहा ना मैंने? इतने कम समय में तुम मार्शल मास्टर से मार्शल आत्मा योद्धा बन गए? तुम इंसान हो या कुछ और? युवा विद्वान की बात पर विराज ने कुछ नहीं कहा और वो चुप खड़ा रहा। विराज को चुप खड़ा देखकर युवा विद्वान ने कहा, कुछ समय पहले हमारे सेनापति को ज्येष्ठ अंगीरा से पता चला था कि कलिंजर संस्थान में दाखिला लेने के दौरान और लेने के बाद आपने वहां पर अपनी प्रतिभा से तहलका मचा दिया था। सारे संस्थान में आपकी प्रतिभा का शोर गूंज उठा था। सच कहूं तो हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अब लगता है कि हमारे सेनापति ने विशेष निवेदन करके आपको यहां बुलाया है। युवा विद्वान की बात सुनकर विराज ने थोड़ा खराब मूड से कहा, सेनापति कहां है? क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? युवा विद्वान ने तुरंत जवाब दिया, सेनापति अभी अभी किसी खास मिशन से लौटे हैं और इस समय खजाने के तहखाने में है। चलिए मैं आपको खजाने के तहखाने की ओर लेकर चलता हूं। ऐसा कहकर युवा विद्वान पीछे की ओर मुड़ा और विदिशा के गुप्त पहरेदारों के खजाने के तहखाने की ओर चल पड़ा। तहखाने के बाहर पहुंचकर वो तेजी से खजाने की ओर बढ़ गया और अंदर जाकर चीखते हुए कहा, सेनापति देखिए आपसे मिलने कौन आया है। विराज जब पहली बार अंशुमान और बाकी लोगों से मिला था, वो उसके लिए ये समूह एकदम नया था जिसके बारे में उसे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन उस समय भी उस युवा विद्वान को देखकर विराज को कुछ अजीब सा एहसास ही हुआ था। आज भी विराज को उस युवा विद्वान से मिलकर कुछ अजीब सा ही महसूस हो रहा था। हालांकि वो सेनापति का नजदीकी था, इस वजह से उस पर भरोसा न करने का कोई कारण विराज के पास नहीं था। उसी समय खजाने की तिजोरी के अंदर से एक झल्लाती हुई आवाज बाहर आई, क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? उसी समय तिजोरी के अंदर से सुखदेव थापर निकलकर बाहर आ गए। सुखदेव थापर खजाने की तिजोरी के मुख्य रक्षक थे। युवा विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नाराज क्यों होते हैं? हाँ मेरी गलती है, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी मेरे जैसा अनुज आपको दूसरा नहीं मिलेगा। खैर मेरी इस जल्दबाजी का कुछ कारण था। देखिए मेरे साथ कौन आया है। सुखदेव थापर की आंखें युवा विद्वान से हटकर सीधे विराज पर जाकर टिक गई। विराज को देखते ही एक चमक उनकी आंखों में दौड़ गई।
सुखदेव थापड़ के चेहरे पर आई इस चमक को देखकर विराज के दिल में भी हलचल होने लगी। इससे पहले तो वो कुछ कहते, उससे पहले अंशुमान वहां आ गया। वहां आते ही उसकी नजर विराज पर आकर ठहर गई और फिर तेजी से जाकर विराज को गले लगा लिया और उससे कहा, विराज कैसे हो? आखिरकार तुम वापस विदिशा आ ही गए, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लग रहा है। फिर पीछे आकर विराज को देखते हुए अंशुमान ने कहा, तुमने कलिंजर संस्थान में अपनी एक अलग पहचान बना ली है, मैंने इसके बारे में सुना है। तुमने अपने साथ साथ विदिशा के गुप्त पहरेदारों का भी सम्मान बढ़ाया है। विदिशा के गुप्त पहरेदारों की सेना का सेनापति होने की वजह से अंशुमान का खुफिया तंत्र काफी मजबूत था, जिससे उसे काफी खबरें पता चलती रहती थी। अंशुमान की बात सुनकर विराज का चेहरा हल्का उतर गया और उसने बिना किसी खुशी के कहा, कलिंजर संस्थान में विदिशा के गुप्त पहरेदारों की फौज को कोई नहीं जानता, ऐसे में मेरी ये पहचान वहां किसी काम की नहीं। विराज ने जो कहा था वो सही ही था। कलिंजर संस्थान के संस्थापकों का बनाया गया संस्थान था, जिसमें या तो राजशाही परिवार के बच्चे पढ़ते थे या फिर बहुत ही दुर्लभ प्रतिभा वाले विद्यार्थी पढ़ते थे। उन सभी की नजरों में विदिशा शहर एक वीरान भूमि की तरह था, कोई खास महत्व का नहीं। विराज की बात पर अंशुमान ने आत्मविश्वास के साथ कहा, विदिशा के गुप्त पहरेदार कुछ हो या ना हो, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि विदिशा के गुप्त पहरेदार किसी भी लिहाज से कलिंजर संस्थान से कम स्तर के तो नहीं है। हमारी अपनी पहचान है, भले ही कोई हमें नकारना चाहे तो नकार सकता है। अंशुमान की बात सुनकर विराज ने अपनी बौहें सिकोड़ ली। उसकी नजरें अंशुमान से हटकर वापस से सुखदेव थापर पर जा टिकी। सुखदेव थापर जो कि विदिशा के खजाने के संरक्षक थे, सुखदेव थापर को देखकर विराज को उनकी कोई समझ नहीं हो पा रही थी, जबकि वो अब एक फिफ्थ ग्रेड मार्शल आत्मा योद्धा बन चुका था, साथ ही कितने ही तरह के कलाओं का ज्ञाता था। उसे अंशुमान को देखकर उसकी कई सारी चीजें समझ आ रही थी, लेकिन सुखदेव थापर के मामले में किसी भी तरह की कोई आभा वो महसूस नहीं कर पा रहा था। विराज वसु परिवार का विदिशा से नामो निशान मिटाने आया था, इसके लिए उस विदिशा के गुप्त पहरेदारों की जरूरत थी। तो क्या उसे विदिशा के गुप्त पहरेदारों से मदद मिल सकेगी, या फिर विदिशा के गुप्त पहरेदार ही उसके सामने कुछ नया पेश करने वाले थे? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान, ओनली ऑन पॉकेट FM। मेड शक्तिमान एपिसोड 192, गुप्त कैंप की पेशकश। विराज सुखदेव थापड़ को देखे चला जा रहा था, लेकिन उसे सुखदेव थापड़ के शरीर से किसी भी तरह की आभा निकलती हुई महसूस नहीं हो रही थी, और न ही किसी भी तरह वो सुखदेव थापड़ की शक्तियों को समझ पा रहा था। ये देखकर वो बड़ा हैरान हो रहा था कि फिफ्थ ग्रेड मार्शल आत्मा योद्धा होने के बावजूद वो सुखदेव थापड़ की शक्तियों को क्यों नहीं जांच पा रहा था। सुखदेव थापड़ के शरीर से किसी भी तरह की एनर्जी की वेब या धारा को निकलता हुआ वो महसूस नहीं कर पा रहा था। वो सोचने लगा, अंशुमान जैसा योद्धा जिन्हें ज्येष्ठ सुखदेव थापड़ कहकर बुलाता है, वो कोई साधारण इंसान तो नहीं हो सकते जिनके शरीर से कोई आभा या एनर्जी की वेब नहीं निकल रही हो। इसके साथ ही वो विदिशा के गुप्त पहरेदारों के खजानों के संरक्षक भी है। इसका मतलब ये हुआ कि सुखदेव थापर एक शक्तिशाली योद्धा है जो अपनी किसी गुप्त प्रतिभा के दम पर अपनी शक्ति को पूरी तरह से छिपा पाने में कामयाब हो रहे हैं। विराज को अपनी तरफ घूरता देखकर सुखदेव थापड़ के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उन्हें समझ आ रहा था कि विराज कहीं ना कहीं उनकी शक्ति का आकलन करने की असफल कोशिश कर रहा था। उन्होंने विराज से कहा, दिलचस्प विराज, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, हमारी विदिशा के गुप्त पहरेदारों की फौज किसी भी हाल में कलिंजर संस्थान से कम नहीं है, यही अटल सत्य है। विदिशा के गुप्त पहरेदारों की फौज का महत्व हो सकता है कि कलिंजर संस्थान से कम हो, लेकिन जब हम विदिशा के गुप्त पहरेदारों के गुप्त कैंप की बात करते हैं,
जो कलिंजर अंपायर के पश्चिम के कई प्रांतों से मिलकर बना है, तो उसका महत्व किसी भी हाल में कलिंजर संस्थान से कम नहीं है। इसीलिए विदिशा के गुप्त पहरेदारों के गुप्त कैंप का हिस्सा होना एक बहुत बड़े गर्व की बात है। विराज सुखदेव थापड़ को सवालिया नजरों से देखने लगा, फिर उसने एकदम शांत स्वर से कहा, कहीं ज्येष्ठ सुखदेव थापड़ का कहने का तात्पर्य ये तो नहीं कि मैं गुप्त कैंप का हिस्सा बन सकता हूं? विराज को लग रहा था कि अंशुमान और सुखदेव थापड़ अगर गुप्त कैंप की बात कर रहे थे तो इसका कोई ना कोई प्रयोजन तो अवश्य था। गुप्त कैंप पश्चिमी क्षेत्र के कई प्रांतों की शक्तियों को मिलकर बेहद गुप्त रूप से बनाया था। इसी वजह से यह पश्चिमी प्रांतों का एक शक्तिशाली संगठन था और इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी। ये इतना अधिक गुप्त था कि कलिंजर अंपायर के शासक परिहार वंश तक को भी इस गुप्त कैंप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए बिना किसी कारण से तो वो विराज के सामने गुप्त कैंप की बात करने से रहे। विराज का सवाल सुनकर सुखदेव थापड़ ने अपनी दोनों आंखें बंद करते हुए शांति से कहा, बिल्कुल सही। जब तुम पहली बार विदिशा के गुप्त पहरेदारों के खजानों की तिजोरी में आए थे तो मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब तुम अग्नि जीव स्तर के योद्धा बन जाओगे उस समय तुम गुप्त कैंप में जाने के लिए परीक्षा देने के पात्र बन जाओगे, और यदि तुमने परीक्षा में सफलता पा ली तो तुम गुप्त कैंप का हिस्सा बन सकोगे। लेकिन आज तुम्हें देखने के बाद मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें जितना प्रतिभावान समझा था तुम उससे कहीं ज्यादा प्रतिभावान हो। तुम्हें कलिंजर संस्थान में गए अभी बस 2 ही महीने हुए हैं और सिर्फ इन 2 महीनों में ही तुम एक मार्शल मास्टर योद्धा से 5th ग्रेड मार्शल आत्मा योद्धा बन चुके हो। तुम्हारी मार्शल लेवल को पार करने की रफ्तार हद से ज्यादा तेज है और शायद तुम इतिहास में प्रसिद्ध अग्नि देवी वैदही से भी ज्यादा प्रतिभावान हो। ऐसा कहते कहते सुखदेव थापड़ की आंखों में एक उत्तेजना उमड़ आई और शरीर में जोश उभर आया। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि तुम बिना कोई परीक्षा दिए गुप्त कैंप का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। विराज ने सुखदेव थापड़ की बात पर बिना किसी हिचकिचाहट के शांत भाव से कहा, मुझे गुप्त कैंप का हिस्सा नहीं बनना। वो फिलहाल किसी गुप्त कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वो पहले ही काफी सारे अवसरों से लाभ प्राप्त कर चुका था, इसीलिए वो अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित रहना चाहता था। उसे लग रहा था कि अगर वो गुप्त कैंप का हिस्सा बन गया तो उसके पास उस गुप्त कैंप में पाने के लिए कुछ खास नहीं होगा। इसके साथ ही गुप्त कैंप का सदस्य होने की वजह से उस पर कई सारे प्रतिबंध अलग से लग जाते, जिससे उसकी स्वतंत्रता में बाधा पड़ती। विराज के मुंह से ना सुनकर सुखदेव थापड़ बुत बने अचंभित खड़े रह गए। उन्हें एक पल के लिए तो अपने कानों पर यकीन तक नहीं हुआ। वो कुछ देर तक तो विराज की कही गई ना को पचाने में ही खड़े रह गए। फिर उन्होंने विराज को इस नजर से देखा कि मानो विराज कोई दैत्यकार जानवर हो जो अभी अभी वाटरबग माउंटेन से भागकर उनके सामने आ धमका हो। उन्होंने चौंकते हुए विराज से कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आज से पहले कभी भी उन्होंने किसी के सामने गुप्त कैंप की चर्चा की तो गुप्त कैंप को जानकर हर कोई उसका हिस्सा बनने के लिए पागलों की तरह उतावला होने लगता था। लोग उनके सामने न जाने कैसे कैसे अभिनय करते थे ताकि वो उन्हें गुप्त कैंप का हिस्सा बना दे, और यहां विराज को सीधे सीधे गुप्त कैंप का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिल रहा था और ये बावरा हठधर्मिता में मना कर रहा था। ये बात उनकी हलक में अटक कर रह गई थी। उसी समय उन्हें कुछ याद आने लगा। आज से तकरीबन 20 साल पहले भी कुछ इसी तरह की घटना उनके साथ घटी थी। 20 साल पहले एक बहुत ही प्रतिभाशाली योद्धा से उनकी मुलाकात हुई थी। उस योद्धा की प्रतिभा से प्रभावित होकर सुखदेव थापड़ ने उस योद्धा को गुप्त कैंप का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन
उस योद्धा ने गुप्त कैंप का हिस्सा होने से इनकार कर दिया था। उस समय भी सुखदेव थापड़ उस योद्धा की ना को पचा नहीं सके थे। उस योद्धा ने राजधानी में बड़ा नाम कमाया था और उस समय राजधानी में उसका नाम गूंज उठा था और वो राजधानी का नंबर वन स्वर्ग का गर्व योद्धा बन गया था। वो सोचने लगे, क्या नाम था उस योद्धा का? अरे हाँ, इंद्रावसु। इंद्रावसु के बारे में सोचते ही सुखदेव थापड़ की नजर विराज पर जाकर ठहर गई। वो बहुत ध्यान से विराज को देखने लगे। उनकी आंखें विराज को देखकर सिकोड़ने लगी और उन्हें विराज का चेहरा बहुत जाना पहचाना सा लगने लगा। वो सोचने लगे, इस लड़के की शक्ल तो उस इंद्रावसु से लगभग 70% तक मिलती है। ये कैसे मुमकिन है? जरूर इस लड़के विराज और इंद्रावसु के बीच कोई आपसी संबंध है। सुखदेव थापड़ ने विराज से गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हारा इंद्रावसु के साथ क्या संबंध है? हालांकि इंद्रावसु की तुलना में विराज काफी अंतर्मुखी व्यक्ति का इंसान था, सुखदेव थापड़ के मुंह से अपने पिता का नाम सुनकर विराज को काफी अजीब सा एहसास हुआ। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से उसके पिता का जिक्र यहां पर क्यों छिड़ गया था, लेकिन उसने कुछ भी छिपाना ठीक नहीं समझा और स्पष्ट तरीके से कहा, इंद्रावसु मेरे पिता है। विराज को अब अपनी पहचान उजागर करने से किसी भी तरह का कोई डर नहीं था। वो अभी तक वसु परिवार का सामना कई बार कर चुका था और अब खुल्लम खुल्ला वसु परिवार के विरुद्ध बड़ा कदम उठाने जा रहा था। ऐसे में अगर दुनिया को पता चलता कि विराज उस इंद्रावसु का लड़का था जिसने एक समय कलिंजर अंपायर की राजधानी को हिलाकर रख दिया था, तो उससे उसके दुश्मन उससे दूरी ही बनाने की सोचते, ना कि उस पर हमला करने की। इसके साथ ही जब वो अयान विपुल और यश के साथ वर्धन परिवार की विरासत को पाने लीमू प्रांत गया था, उसी समय उसकी पहचान दुनिया के सामने पहले से ही उजागर हो चुकी थी। राजधानी का वसु परिवार भी अभी तक विराज की पहचान पूरी तरह से जान चुका था। विराज की बात सुनकर सुखदेव थापड़ को सारी बात एकदम साफ साफ समझ आने लगी। उन्होंने अपना हाथ हवा में उठाते हुए कहा, कोई आश्चर्य की बात नहीं, जैसा बाप वैसा बेटा, तो तुम इंद्रावसु के बेटे हो, इसीलिए गुप्त कैंप के बारे में सुनते ही तुमने तुरंत मना कर दिया। सुखदेव थापड़ की बात पर विराज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विराज को चुप खड़ा देखकर सुखदेव थापड़ ने कहा, ठीक है, अभी तक मैं अपने हिसाब से चीजों को समझकर बोले जा रहा था, अब मैं तुम्हारे हिसाब से बात करता हूं। ऐसा कहते ही सुखदेव थापड़ के चेहरे के भाव बहुत गंभीर हो उठे। उन्होंने बेहद गंभीर स्वर में कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि विदिशा आने का तुम्हारा प्रयोजन अपना कोई निजी लक्ष्य हासिल करना है। उस निजी लक्ष्य को अकेले हासिल कर पाना तुम्हें दुष्कर कार्य लग रहा है, तो तुम विदिशा के गुप्त पहरेदारों की मदद लेकर अपने उस निजी कार्य को पूरा करने के इरादे से यहाँ आए हो। अब क्योंकि तुम इंद्रावसु के बेटे हो, तो तुम्हारे और तुम्हारे पिता के दुश्मन भी एक ही होंगे। इस पूरे कलिंजर अंपायर में केवल राजधानी के वसु परिवार को छोड़कर उनका कोई दुश्मन नहीं था, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम विदिशा शहर वसु परिवार को सबक सिखाने आए हो, या सीधी भाषा में कहूं तो तुम विदिशा। तुम विदिशा शहर के वसु परिवार का नामो निशान मिटाने आए हो। सुखदेव थापड़ का इतना सटीक अंदाजा सुनकर पहले तो विराज स्तब्ध रह गया और फिर उसे जोरों की हंसी आ गई। अगर सुखदेव थापड़ इंद्रावसु को जानते थे तो वसु परिवार और वर्धन परिवार के बीच की कटु रिश्तों के बारे में भी अच्छे से परिचित होंगे। ऐसे में विराज के यहां होने का प्रयोजन पता करना कोई बड़ी बात नहीं थी। विराज ने सिर हिलाते हुए कहा, हां आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे यहां आने का कारण है विदिशा के गुप्त पहरेदारों की फौज की मदद से
विदिशा के अंदर मौजूद वसु परिवार को नेस्ता नाबूद करना, उनका नामो निशान तक विदिशा शहर से मिटा देना। विराज के ऐसा कहते ही उसके शरीर से हड्डियों तक को गला देने वाली एकदम ठंडी आभा निकलने लगी। विराज की बात सुनकर सुखदेव थापड़ के तेवर बदलने लगे। विराज जो चाहता था उसे देना इतना आसान काम नहीं था। सुखदेव थापड़ ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम विदिशा के गुप्त पहरेदारों की फौज के बस एक सदस्य ही हो। राजधानी का वसु परिवार कलिंजर अंपायर के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक है। हालांकि वसु परिवार के लिए विदिशा प्रांत का कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन तुम्हारी मदद करके हम अपने आप को बहुत बड़े खतरे में डाल लेंगे। और ऐसा कर, विराज ने सुखदेव थापड़ की बात को बीच में काटते हुए ही तेजी से कहा, इस मदद के बदले राजा स्तर की बाधा पर हथौड़ा गोली की एक बोतल कैसी रहेगी? राजा स्तर की बाधा पर हथौड़ा गोली एक सिक्स्थ ग्रेड गोली थी। मार्शल सम्राट से मार्शल राजा स्तर का योद्धा बनने के लिए इस गोली का उपयोग उस समय किया जाता था जब कोई योद्धा लाख प्रयासों के बाद भी मार्शल सम्राट स्तर के ऊपर उठकर मार्शल राजा योद्धा नहीं बन पाता था। इसी कारण से इसे राजा स्तर की बाधा पर हथौड़ा मारने वाली गोली कहा जाता था। हालांकि ये नाम मजाक में शुरू हुआ था, जो बाद में चलकर इसका असल नाम बन गया। इस गोली को हासिल करना लगभग नामुमकिन ही माना जाता था। बड़े बड़े योद्धा इस गोली की चाह में दर दर भटकते फिरते, लेकिन इस गोली को प्राप्त नहीं कर पाते थे। आखिर विराज के पास इतनी दुर्लभ गोली कहां से आ गई? क्या विराज के हाथ कोई खजाना लग गया था? क्या सुखदेव थापड़ राजा स्तर की बाधा पर हथौड़ा गोली के बदले विराज की मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या विराज सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 193 तैयारियां। विराज को विदिशा शहर से वसु परिवार का नामो निशान मिटाने के लिए विदिशा के गुप्त पहरेदारों की जरूरत थी। इसीलिए विराज अंशुमान और सुखदेव थापड़ को राजा स्तर की बाधा पर हथौड़ा गोली देने का प्रस्ताव देता है। राजा स्तर की बाधा पर हथौड़ा गोली एक अमूल्य और दुर्लभ गोली थी, जिसे हासिल करना कोई मामूली चीज नहीं थी। विराज की पेशकश सुनकर अंशुमान और सुखदेव थापड़ चौंक उठे। जिस समय विराज इनाया और बाकी लोगों के साथ लीमू प्रांत वर्धन परिवार की विरासत को पाने के लिए गया था, उसी समय इनाया, विपुल, अयान और यश ने कई परीक्षाओं को पास कर वर्धन परिवार की विरासत को पाने में कामयाब रहे थे। राजा स्तर की बाधा पर हथौड़ा गोली से भरी कांच की बोतल इनाया और बाकी लोगों को वर्धन परिवार की उसी विरासत से मिली थी, तभी से वो गोलियां विराज के पास थी। विराज को उन गोलियों की जरूरत नहीं थी, इसीलिए वो गोलियां उसकी यूनिवर्स रिंग में रखी थी। वो इन गोलियों का उपयोग करके विदिशा के गुप्त पहरेदारों को साथ पाना चाहता था। उसके लिए इन गोलियों का इससे अच्छा उपयोग नहीं हो सकता था। विराज की पेशकश सुनकर सुखदेव थापड़ जड़ बने खड़े रहे। उनके चेहरे पर अजीबो गरीब भाव थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि विराज के पास इतनी मूल्यवान गोलियां थी। अंशुमान भी विराज की पेशकश सुनकर बहुत उत्तेजित हो गया था। सेनापति अंशुमान विराज की आंखों में गहराई से देख रहा था कि जो पेशकश विराज ने दी थी, क्या वो उसके पास थी भी या नहीं। उसने विराज से कहा, विराज, क्या तुम सच कह रहे हो? राजा स्तर की बाधा पर हथौड़ा गोली कोई सामान्य गोली नहीं थी। कलेंजर अंपायर की सभी शक्तियों में ये गोली बहुत ही ज्यादा मूल्यवान थी। राजधानी के वसु परिवार में भी इस गोली की बहुत ज्यादा मांग थी। विदिशा के गुप्त पहरेदारों का खजाना जहां दुनिया की नायाब चीजों से भरा पड़ा था, वहां भी राजा स्तर की बाधा पर हथौड़ा गोली नहीं थी। अंशुमान की शंका को समझकर विराज ने तुरंत अपनी यूनिवर्स रिंग से राजा स्तर की बाधा पर हथौड़ा गोली की बोतल को बाहर निकाला और उसे अंशुमान को दिखाते हुए कहा, बिल्कुल, जो मैंने कहा वो पूरी तरह से सत्य है, आप जांच कर सकते हैं। ऐसा कहकर विराज ने उस बोतल को अंशुमान की ओर बढ़ा दिया। विराज को अंशुमान और सुखदेव थापड़ से किसी धोखाधड़ी का कोई डर नहीं था। उसे मालूम था
कि इन गोलियों के लिए वो दोनों ही उस जैसे योद्धा को धोखा देने की नहीं सोचेंगे। इसीलिए विराज ने अंशुमान को बोतल पकड़ा दी ताकि अंशुमान उसकी कही गई बात की सत्यता प्रमाणित कर सके। वैसे भी विराज की क्षमता गोली बनाने में जिस स्तर तक पहुंच चुकी थी, उसे राजा स्तर की बाधा पर हथौड़ा गोली बनाने के लिए बस कुछ अमूल्य और दुर्लभ औषधियों को ढूंढने की जरूरत पड़ती। बाकी उन्हें बनाने का काम तो वो आसानी से कर लेता। इसीलिए विराज को उन गोलियों की बहुत ज्यादा फिक्र नहीं थी। अंशुमान ने विराज के हाथों से बोतल लेकर उसके ढक्कन को खोल दिया और उन गोलियों से निकलने वाली महक को सूंघने लगा। उन गोलियों की महक को अपने भीतर सोखने के बाद अंशुमान उम्मीद और खुशी भरी नजरों से सुखदेव थापर की ओर देखने लगा और उनसे कहा, यह तो सच में राजा स्तर की बाधा पर हथौड़ा गोली है। अंशुमान की बात सुनकर सुखदेव थापर के चेहरे के भाव तेजी से बदल गए। उन्होंने विराज की ओर देखकर दृढ़ता के साथ कहा, ठीक है, विदिशा के गुप्त पहरेदार वसु परिवार का विदिशा शहर से नामो निशान मिटाने में तुम्हारा पूरा सहयोग करेंगे। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि वसु परिवार का कोई भी सदस्य जो इस समय विदिशा शहर में मौजूद है, वो विदिशा शहर से जिंदा बचकर भागने में सफल नहीं होगा। वर्तमान में विदिशा के गुप्त पहरेदारों की फौज में प्रतिभावान युवा योद्धाओं की भारी कमी पड़ती जा रही थी। नई प्रतिभा को तलाशने और उन्हें एक बेहतर योद्धा बनाने में विदिशा के गुप्त पहरेदार उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे थे। विदिशा के गुप्त पहरेदारों के अलावा गुप्त कैंप भी मार्शल राजा स्तर के योद्धाओं की कमी से जूझ रहा था। हालांकि गुप्त कैंप में कुछ मार्शल राजा स्तर के योद्धा थे, लेकिन पिछले कुछ समय से मार्शल सम्राट स्तर तक पहुंचना ही गुप्त कैंप में बड़ी बात बनती जा रही थी। ऐसे में इन मार्शल सम्राट स्तर के योद्धाओं को मार्शल राजा स्तर तक पहुंचने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। राजा स्तर की बाधा पर हथौड़ा गोली इस चुनौती से विदिशा के गुप्त पहरेदारों को बाहर निकालने में अच्छी खासी मदद कर सकती थी। सुखदेव थापर की हां सुनकर विराज के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी और उसने कहा, आपकी सहमति के लिए ज्येष्ठ सुखदेव थापर, मैं आपका आभारी हूं। विराज को मालूम था कि ज्येष्ठ सुखदेव उसे मना नहीं करेंगे। राजधानी का वसु परिवार इस समय चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ था और राजधानी में ही कई विवादों से उलझा हुआ था। ऐसे में अगर विदिशा जैसे छोटे शहर से वसु परिवार का खात्मा कर भी दिया जाता तो भी राजधानी के वसु परिवार के लिए जहर का ये घूंट पीने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। वो इस समय चाहकर भी विदिशा में आकर बदला लेने की स्थिति में नहीं थे। सुखदेव थापड़ भी वसु परिवार की इस कमजोरी को अच्छी तरह से समझते थे। यही कारण था कि वो विराज को उन गोलियों के बदले मदद देने के लिए तैयार हो गए थे। उन्हें वसु परिवार से बदले की किसी कार्यवाही का डर नहीं था। विराज ने अंशुमान से कहा, वसु परिवार को हमें विदिशा से जड़ से नष्ट करना होगा। अंशुमान ने विराज के सीने पर एक हल्की थपकी देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो मित्र विराज, वसु परिवार का एक मच्छर भी विदिशा शहर से जिंदा बचकर नहीं भाग पाएगा। वैसे भी वसु परिवार ने कलिंजर अंपायर में बहुत अत्याचार किए हैं। वसु परिवार के लोग जीने के लायक भी नहीं है। अंशुमान के शब्द सुनकर विराज को अंदर तक ठंडक पड़ती चली गई। उसने हल्की आवाज में कहा, ठीक है, फिर तय रहा, हम कल दोपहर के बाद विदिशा के अंदर मौजूद वसु परिवार के लोगों पर हमला करेंगे और उनका पूरी तरह से सफाया कर देंगे। विराज की बात पर अंशुमान और सुखदेव थापड़ ने अपना सिर हिलाकर सहमति दिखाई। उन दोनों से बात करने के बाद विराज किले से बाहर निकलकर शहर में आ गया। विराज को वसु परिवार पर हमला करने के लिए कल का समय इसीलिए तय करना पड़ा था क्योंकि गोल्डन पंख अभी विदिशा शहर नहीं आया था। जिस समय विराज काल्पी सिटी से विदिशा शहर की ओर रवाना हुआ था, उस समय गोल्डन पंख एकांतवास करते हुए साधना की गहन अवस्था में था। इस कारण से विराज गोल्डन पंख को अपने साथ नहीं ला पाया था। उसने प्रणवदा से कहा था कि वो गोल्डन पंख की साधना पूरी होने के बाद गोल्डन पंख को अपने साथ विदिशा लेकर आ जाए।
जिस समय वो विदिशा के गुप्त पहरेदारों के किले में घुसा था, उसी समय गोल्डन पंख ने आत्मा के संबंध के जरिए बता दिया था कि उसने अपने मार्शल स्तर को बढ़ा लिया है, लेकिन नए मार्शल स्तर के साथ सामंजस्य बिठाने में थोड़ा वक्त लगेगा और वो कल दोपहर तक ही विदिशा आ पाएगा। विराज के जाने के बाद अंशुमान और सुखदेव थापड़ ने एक दूसरे की तरफ देखा और वापस विदिशा के गुप्त पहरेदारों की तिजोरी में चले गए। वहां जाकर अंशुमान ने अपने कुछ विशेष सदस्यों को बुलाकर उन्हें कल की तैयारियां करने के लिए काफी सारी योजनाएं समझाई। उस रात विदिशा शहर बाहर से देखने में एकदम शांत लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर विदिशा के गुप्त पहरेदारों ने विदिशा शहर के अंदर रहने वाले वसु परिवार के लोगों को चारों ओर से घेर लिया था। इसके साथ ही अंशुमान ने कुरूनी सेना को विदिशा के चारों ओर तैनात कर दिया था ताकि वसु परिवार का कोई भी सदस्य विदिशा शहर को छोड़कर भाग ना सके। विराज, जो इस समय विदिशा शहर के अंदर ही मौजूद था, विदिशा के गुप्त पहरेदारों की इस गुप्त कार्यवाही को देख पा रहा था। यह देखकर विराज के अंदर खुशी की तरंगे उठने लगी। हालांकि विदिशा के गुप्त पहरेदारों और कुरूनी सेना की हलचल को वसु परिवार को छोड़कर विदिशा के बाकी परिवार महसूस कर पा रहे थे। हालांकि विदिशा के गुप्त पहरेदारों को सिर्फ ये आज्ञा मिली थी कि उन्हें सिर्फ एक क्षेत्र विशेष को घेरना है, उन्हें वसु परिवार को घेरने का आदेश नहीं मिले थे। इस वजह से विदिशा के किसी भी परिवार को इन हलचलों का कारण समझ नहीं आ रहा था। वो सभी ज्यादा से ज्यादा ये कर रहे थे कि इस हलचल का संदेशा अपने ऊपर के लोगों तक पहुंचा रहे थे। सुबह होने तक विदिशा शहर के सभी बड़े परिवार डर के साये में आ चुके थे। हालांकि साधारण जन को इस सुखबुगाहट की कोई खबर नहीं थी। उनके लिए तो सड़कों पर कुछ ज्यादा सैनिक मौजूद थे, जिसका उनके लिए मतलब था कि शहर की सुरक्षा को किसी कारण से बढ़ाया गया था। अगले दिन की दोपहर को जब विराज वापस से शहर के अंदर आया तो उसने देखा कि शहर के अंदर लोगों की सामान्य भीड़ थी। विदिशा के गुप्त पहरेदार और कुरूनी सेना परिस्थितियों को शांत बनाए रखे हुए थे। सारे शहर को नियंत्रण में देखकर विराज अंशुमान की क्षमता से काफी प्रभावित हुआ। विराज वहां से सीधे शहर के मुख्य द्वार पर चला गया। वहां जाने के कुछ देर बाद ही उसे गोल्डन पंख वहां दिखाई देने लगा। गोल्डन पंख ने जैसे ही विराज को देखा तो वो तुरंत विराज के पास आकर खड़ा हो गया और उससे कहा, उस्ताद, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। विराज ने अपना हाथ गोल्डन पंख के ऊपर रखा और उसे सहलाते हुए ध्यान से देखने लगा। गोल्डन पंख एक 9th grade मार्शल सम्राट योद्धा था। उसने अपनी आभा को नियंत्रित किया हुआ था, फिर भी आसपास के लोगों पर उसकी आभा का काफी भारी दबाव पड़ रहा था। जैसे ही लोग गोल्डन पंख के पास से गुजर रहे थे, उस भारी दबाव की वजह से पलटकर गोल्डन पंख को देखने लगते और फिर तेजी से गोल्डन पंख से दूरी बना लेते। विराज ने गोल्डन पंख से कहा, चलो शहर के अंदर चलते हैं। शहर के मुख्य द्वार पर खड़े रक्षकों ने जब विराज के हाथ में विदिशा के गुप्त पहरेदार का टोकन देखा तो बिना कोई सवाल किए गोल्डन पंख को विराज के साथ शहर के अंदर जाने दिया। शहर के अंदर लोग उन दोनों से बचते हुए चल रहे थे, जिसे देखकर विराज के चेहरे पर एक प्रसन्नता जगमगा रही थी। विराज गोल्डन पंख को लेकर जल्द ही विदिशा के गुप्त पहरेदारों के किले के बाहर आ गया। अंशुमान किले के बाहर खड़ा होकर काफी समय से विराज का वहां इंतजार कर रहा था। विराज को वहां आता देखकर वो तेजी से विराज के पास गया और उसे धीमी आवाज में कहा, विराज, सारी तैयारियां हो चुकी है, अब बताओ किस समय हमला करना है। कुछ देर सोचने के बाद विराज ने अंशुमान से कहा, अभी करते हैं, इसी वक्त। क्या सभी लोग अपनी अपनी जगह पहुंच चुके हैं? अंशुमान ने गर्व से अपने सीने को फुलाते हुए कहा, चिंता मत करो विराज, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर तैनात किए जा चुके हैं। मैं ऐसे ही विदिशा के गुप्त पहरेदारों का सेनापति नहीं बना। अंशुमान की बात सुनकर विराज के चेहरे पर खुशी उभर आई और उसने कहा, बहुत बढ़िया, तो इंतजार कैसा? सीधे वसु परिवार के लोगों पर हमला कर देते हैं और उनका सफाया कर देते हैं। उन्हें उनकी दुष्टता की सजा देने का समय आ चुका है। विराज विदिशा के गुप्त पहरेदारों और
कुरुनी सेना के साथ मिलकर विदिशा के वसु परिवार के लोगों पर हमला करने जा रहा था। तो क्या विराज इस हमले में कामयाब हो सकेगा? क्या विदिशा शहर में रह रहे वसु परिवार के सभी लोगों को मौत के घाट उतार पाने में कामयाब हो सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान ओनली ऑन पॉकेट एफएम। परिवार के कई सारे घर एक बड़े क्षेत्र में थे। वो बड़ा क्षेत्र गोलाई में था जिसके अंदर वसु परिवार के लोग रहते थे। विराज और गोल्डन पंख वहां पहुंच चुके थे। विराज और गोल्डन पंख के साथ विदिशा के गुप्त पहरेदारों के कुछ सिपाही भी थे। उन सभी ने उन जगह को चारों तरफ से घेर लिया था। उस जगह पर एक बड़ा सा दरवाजा था जहां से होकर वसु परिवार के घरों का रास्ता जा रहा था। वहीं पर एक पत्थर पर लिखा था वसु परिवार। उस बड़े से दरवाजे को देखकर विराज ने गोल्डन पंख से कहा, गोल्डन पंख जरा दरवाजे को खोल दो। आदेश मिलते ही गोल्डन पंख के शरीर से बैंगनी रंग की 9 अधूरे संसार ज्वाला निकलने लगी और अगले ही क्षण उस ज्वाला ने उस दरवाजे और उस पत्थर को अपने आगोश में ले लिया। देखते ही देखते वो दरवाजा जलकर कुछ ही क्षणों में खाक हो चुका था। अब वहां कोई दरवाजा नहीं था। विराज और गोल्डन पंख तेजी से अंदर आ गए। जैसे ही वो अंदर आए वसु परिवार के कुछ पहरेदार जाग गए। इससे पहले वो पहरेदार कुछ करते विदिशा के गुप्त पहरेदारों ने उन्हें मौत की गहरी नींद सुला दिया। ये देखकर विराज के चेहरे पर कातिलाना हंसी उभर आई। वहां से विराज सीधे विदिशा के वसु परिवार के मुखिया के घर की ओर गया। मुखिया के घर के बाहर पहुंचकर विराज ने गोल्डन पंख की ओर देखा। गोल्डन पंख ने एक शक्तिशाली प्रहार उस घर के मुख्य दरवाजे पर कर डाला। वार पड़ते ही बूम की तेज आवाज के साथ उस दरवाजे के चीथड़े उड़ गए और उन चीथड़ों के साथ काफी सारी धूल हवा में उड़ती हुई दूर दूर तक फैल गई। उस घर के पहरेदारी कर रहे वसु परिवार के सिपाही गहरी नींद में सो रहे थे। उस तेज आवाज से वो सभी अचानक से जाग गए। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। वो डर से चीख उठे। अगले ही पल गोल्डन पंख अपनी ज्वाला से उन सभी को जलाकर राख के ढेर में बदल चुका था। उस बूम की आवाज के साथ ही वसु परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया। वो सभी समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है। वहां चारों ओर अफरा तफरी का माहौल मच गया था। चारों ओर चीख पुकार मचने लगी। वसु परिवार के कुछ लोगों ने वहां से बाहर भागने की कोशिश की तो विदिशा के गुप्त पहरेदारों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिससे वो सभी वापस से अपने घरों की तरफ भागने लगे। वसु परिवार के शानदार सजावटों से सजे मुख्य हॉल में बड़ी संख्या में वसु परिवार के लोग इकट्ठा हो चुके थे। वसु परिवार का मुखिया एक मध्यम उम्र का इंसान था। मध्यम उम्र का इंसान अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने आरुष वसु बैठा था। आरुष वसु वही इंसान था जिसके साथ विराज का कालपी सिटी में मतभेद हुआ था। आरुष वसु के साथ दक्ष परिवार की शनाया थी। शनाया फरहान की छोटी बहन थी जो कालपी सिटी विराज से मिलने आई थी। आरुष शनाया के साथ जबरदस्ती मिलनसार होने की कोशिश कर रहा था। उस समय शनाया को टशन दिखाने के चक्कर में आरुष ने विराज को काफी भला बुरा कह दिया था। फिर विराज ने आरुष को बुरी तरह से मारकर घायल कर दिया था। मध्यम उम्र के मुखिया ने कुर्सी पर अपना हाथ मारते हुए सभी लोगों की ओर देखते हुए बेहद चिंतित स्वर में कहा, विदिशा के गुप्त पहरेदार, कुरुनी सेना, गुप्त कैंप सभी ने एक साथ इकट्ठा होकर सारे शहर के साथ साथ हमारे क्षेत्र को भी घेर लिया है। पता नहीं विदिशा शहर में क्या चल रहा है। आरुष वसु ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, विदिशा के इस छोटे से शहर में अचानक से ऐसा क्या हो सकता है जो इतना हो हल्ला मचा पड़ा है? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? भले ही विदिशा के गुप्त पहरेदार और कुरुनी सेना आपस में मिलकर किसी अभियान पर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका वसु परिवार से कोई संबंध है। ये पागल कुत्तों का झुंड वसु परिवार पर हमला करने की हिमाकत नहीं कर सकता। आरुष वसु की बात सुनकर मध्यम उम्र के इंसान ने उसे सवालिया नजरों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। मध्यम उम्र के मुखिया के बगल में लाल रंग की ड्रेस पहने
एक महिला बैठी थी। आरुष वसु की बात सुनकर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली, देखो बोल कौन रहा है, जिसे काल्पी सिटी के एक आवारा कुत्ते ने सड़क पर चलते हुए ऐसा धोया कि ये डर से कांपते हुए काल्पी सिटी छोड़कर भाग गया। तुम्हारी वसु परिवार तक में कोई इज्जत नहीं बची, इसीलिए यहां बैठकर बड़ी बड़ी डींगे मत मारो। हाँ, लाल रंग की ड्रेस पहने महिला की बात सुनकर आरुष ने गुस्से से अपने दोनों मुट्ठियों को भींच ली, लेकिन उसने पलटकर महिला को कोई जवाब नहीं दिया। जब से काल्पी सिटी में विराज ने आरुष की कुटाई की थी, तभी से वो पूरे वसु परिवार में हंसी का पात्र बनकर रह गया था। उसकी इतनी मजाक उड़ी कि उसे राजधानी छोड़कर विदिशा जैसे दूर दराज के क्षेत्र में आकर रहना पड़ रहा था। वो तो आरुष के अर्णव वसु से काफी अच्छे संबंध थे, इसीलिए राजधानी से निकाले जाने के बाद दूर दराज के क्षेत्र विदिशा में आने के बावजूद उसे यहाँ पर काफी अधिकार हासिल हो गए थे, जिसकी वजह से वो यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। लेकिन फिर समय का पासा पलटा और अर्णव वसु विराज से बदला लेने के चक्कर में प्राचीन स्वर्गीय भूमि में बुरी तरह से घायल हो गया और लगभग मरते मरते बचा। इसके बाद कलेंजर संस्थान में विराज पर फिर से हमला करने के प्रयास में उसके जख्म जो भरे नहीं थे वो खुल गए, जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और इस समय वो अपनी जिंदगी के लिए ही संघर्ष कर रहा था। इन परिस्थितियों में अर्णव वसु की हैसियत भी वसु परिवार में तेजी से घटती जा रही थी, और भले ही अर्णव वसु फिर से स्वस्थ हो जाता, उसकी वसु परिवार में पहले जैसी हैसियत नहीं रहती। इस कारण से आरुष की हैसियत भी फिर से वसु परिवार में गिरती जा रही थी। अर्णव वसु के बल पर वो विदिशा के वसु परिवार के मुख्य सदस्यों में शामिल हो गया था। लेकिन अर्णव वसु के घायल हो जाने के बाद विदिशा के वसु परिवार के मुख्य सदस्यों की सूची में से वो गायब हो चुका था और उसका सम्मान लगातार कम होता जा रहा था, और वसु परिवार के कई लोग उस पर हमला करने से नहीं चूकते थे, और विदिशा के वसु परिवार का जो सदस्य उससे सबसे ज्यादा नफरत करता था वो थी लाल रंग की ड्रेस पहनी महिला, जो आरुष को जरा सा भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। लाल रंग की ड्रेस पहने महिला ने जब आरुष की नजरों में अपने लिए नफरत देखी तो गुस्से से कहा, तुम एक कचरे हो जो अपने भाई के दम पर उछलते रहते हो। हाँ, ऐसा कहकर महिला आरुष को खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। महिला को चुप कराते हुए मध्यम उम्र के मुखिया ने कहा, तुम चुप रहो, अपने शब्दों को लगाम दो। तुम मेरी बेटी हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो मुंह में आया वो बोल दो। अपने पिता की डांट खाने के बाद भी महिला आरुष को हिकारत भरी नजरों से देखती रही। आरुष हमेशा ही अर्णव वसु के दम पर मुखिया की बेटी को आंखें दिखाता रहता था, लेकिन जब से अर्णव वसु घायल हुआ था मुखिया की बेटी आरुष को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। बस उसे आरुष को अपमानित करने का बहाना चाहिए था। उसी समय मुखिया के बगल में बैठे दूसरे इंसान ने कहा, मुखिया सही कह रहे हैं, ये समय आपसी रंजिशों को हवा देने का नहीं है। आसमान में खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। विदिशा के गुप्त पहरेदार, गुप्त कैंप और कुरूनी सेना मिलकर कुछ बड़ा करने की फिराक में है, और जिस तरह सारे शहर के साथ हमारे परिवार की भी घेराबंदी की जा रही है, ये किसी गहरी साजिश की दस्तक हो सकती है। हमें सावधान रहने की जरूरत है। उस इंसान की बात सुनकर लाल रंग की ड्रेस पहने महिला ने अपना मुंह आरुष की ओर से हटा लिया और दूसरी ओर करके चुप हो गई। वसु परिवार के मुखिया ने लाचारी के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा, उप प्रमुख एकदम सही कह रहे हैं, विदिशा के गुप्त पहरेदार और कुरूनी सेना के इस अभियान का क्या उद्देश्य है, ये जानने के लिए हमें मामलों की तह में जाना होगा। हमें किसी दुर्घटना की घटने से पहले ही उचित कार्यवाही करके दुर्घटना को घटने से रोकना होगा।
वसु परिवार के मुखिया अपनी बात कह ही रहे थे कि तभी मुख्य हॉल के बाहर चीख पुकार की जोरदार आवाजें आने लगी। उसी समय एक सिपाही मुख्य हॉल में तेजी से भागते हुए आया और उसने कहा, कोई हमारे घर घुस आया है और चारों ओर मार काट मचा रहा है। उस सिपाही के ऐसा कहते ही बम की एक तेज आवाज के साथ मुख्य हॉल के दरवाजे के चीथड़े उड़ गए। दरवाजे के छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ते हुए पूरे हॉल में फैल गए। वसु परिवार का मुखिया यह देखकर अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर घबराहट की हजारों रेखाएं खिंच गई। उसके शरीर से 9th ग्रेड मार्शल सम्राट की आभा निकलने लगी। लेकिन अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हुए मुखिया ने कहा, इशिका वसु, जाओ और पता करो कि किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि वसु परिवार पर हमला करने आ गया। वसु परिवार के मुखिया की बात सुनते ही लाल रंग की ड्रेस पहने इशिका वसु तेजी से अपनी जगह से उठी और बाहर की ओर चल दी। उसने अपने हाथों में कांटेदार चाबुक निकाल लिया। उसके शरीर से कातिलाना हवा पूरी रफ्तार से निकलने लगी। उसी समय वसु परिवार के मुखिया ने उस हॉल में मौजूद सभी लोगों को कहा, जल्दी जाओ और हमारे लोगों को हमले का सामना करने के लिए तैयार करो। हमें किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। लगता है किसी ने वसु परिवार के ऊपर हमला करने की साजिश रची है। हमें उन्हें बताना होगा कि वसु परिवार पर हमला करने का क्या अंजाम होता है। मुखिया के ये कहते ही सभी लोगों ने अपना सिर हिलाया और वो तेजी से मुख्य हॉल से बाहर जाने लगे। उसी समय मुख्य हॉल के मुख्य दरवाजे जो नष्ट हो चुके थे से होकर विराज तेजी से मुख्य हॉल के अंदर घुसाया। उसके साथ गोल्डन पंख अपने हाथों में बैंगनी रंग की ज्वाला लिए घुसाया। गोल्डन पंख ने उस दरवाजे के ऊपर भागने की कोशिश कर रहे वसु परिवार के कई लोगों को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। विराज और गोल्डन पंख मुख्य हॉल में दाखिल हो चुके थे तो क्या विराज वसु परिवार के मुखिया इशिका वसु और आरुष वसु को मार डालेंगे? क्या विदिशा के मुख्य पहरेदारों की मदद से विराज वसु परिवार का सफाया करने में कामयाब हो पाएगा? क्या वसु परिवार के पास कोई छिपी हुई शक्ति थी जिसके दम पर वो विराज के चंगुल से बचने में कामयाब हो जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान आपके अपने पॉकेट एफएम पर। सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 195 इशिका वसु। वसु परिवार के घरों के चारों ओर अफरा तफरी मची पड़ी थी। चारों ओर शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगे थे। उसी समय अंशुमान विदिशा के गुप्त पहरेदारों और कुरूनी सेना को लेकर वसु परिवार के घरों को घेर चुका था। वसु परिवार को चारों ओर से फौज से घिरता देखकर भीड़ में उत्सुकता, तनाव, भय, उन्माद मचलने लगा। वसु परिवार के घरों में मची चीख पुकार सुनकर और फौज से घिरे उनके घरों को देखकर भीड़ में से ही कोई थोड़ा भावुक होते हुए बोला, वसु परिवार ने लगता है इस बार कोई बड़ी मुसीबत अपने सिर मोल ले ली है। भीड़ में से ही किसी दूसरे ने गुर्राते हुए कहा, इन गंदे और तुनक मिजाज जुहो को तो बहुत समय पहले ही शहर से नष्ट कर देना चाहिए था। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर वसु परिवार के लिए नफरत उभर आई। ये वसु परिवार के लोग लंबे समय से विदिशा शहर में अपनी तानाशाही चलाने लगे थे। खुद को विदिशा का माई बाप समझने लगे थे। इन्हें इनकी कर्मों की सजा मिलने का वक्त आ चुका है। जैसी करनी वैसी भरनी। भीड़ में से ही कोई चिल्लाया, मुझे नहीं पता कि इस आपदा का सामना वसु परिवार कैसे करेगा, पर अच्छा तो यही रहेगा कि इस आपदा में वसु परिवार के सभी लोग मारे जाए, वसु परिवार का एक भी इंसान जिंदा ना बचे। इन लोगों ने लंबे समय से जीना हराम कर रखा है हमारा। भीड़ में से ही एक बूढ़ा आदमी खुश होते हुए बोला, इन वसु परिवार के लोगों ने मेरी संपत्ति हड़प ली थी। मैं बूढ़ा कुछ नहीं कर पाया। इस वसु परिवार की वजह से आज दर दर की ठोकरें खा रहा हूं।
धन्य हो विदिशा के गुप्त पहरेदार जो ऐसे दुष्टों को सजा देने यहाँ आ गई। अंशुमान भीड़ में लोगों की बातचीत को हल्का फुल्का सुन पा रहा था। अपने हमले की जनता के बीच सहमति मिलता देखकर अंशुमान के चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास जगमगाने लगा। वो मन ही मन बड़बड़ाया, मैं तो सिर्फ विराज की मदद कर रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि वसु परिवार को मिटाकर विदिशा शहर को वसु परिवार की दहशत से मुक्ति देने का काम भी कर रहा हूँ। इससे तो विदिशा के गुप्त पहरेदारों का सम्मान विदिशा में बढ़ जाएगा। विराज और गोल्डन पंख मुख्य हॉल के मुख्य दरवाजे से होकर अंदर आ चुके थे। मुख्य हॉल की गैलरी में जिसने भी विराज और गोल्डन पंख को रोकने की कोशिश की, गोल्डन पंख ने अपनी बैंगनी रंग की ज्वाला में जलाकर उन्हें पल भर में राख का ढेर बना दिया। इससे हॉल में मौजूद वसु परिवार के लोगों में भय का तांडव मचने लगा। अपने ऊपर हुए इस अचानक हमले से किसी को संभलने तक का भी मौका नहीं मिला था। जैसे ही विराज और गोल्डन पंख गैलरी से होकर आगे बढ़े, उसी समय लाल रंग की ड्रेस पहने इशिका वसु तेजी से उनके ऊपर झपटी। उसके चेहरे पर गुस्से का लावा फूट रहा था। अपने कांटों भरे चाबुक से गोल्डन पंख पर एक तेज वार करते हुए वो चिल्लाई, ये जंगली कहां से आए हैं? हमारे वसु परिवार पर हमला करने की इनकी हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। उसके शरीर से कातिलाना आभा निकलने लगी। सेकेंड ग्रेड इननेट ग्रैंड मास्टर गजब। इशिका वसु की मार्शल क्षमता देखकर विराज दंग रह गया। वो सोचने लगा, इस लड़की की उम्र देखने में मेरे जितनी ही लग रही है और इतनी कम उम्र में ये सेकेंड ग्रेड इननेट ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच चुकी है। ये सच में कमाल की उपलब्धि है। इतनी प्रतिभा के साथ तो ये कलिंदर संस्थान में सीधे दाखिला पाने का हकदार थी। भले ही इसने कलिंदर संस्थान में दाखिला न लिया हो, फिर भी वसु परिवार एक जीनियस को पोषित कर रहा है। लेकिन ऐसी प्रतिभा इस विदिशा शहर में क्यों समेट कर रह गई है? विराज की बात सुनकर लाल रंग की ड्रेस पहने इशिका वसु ने गुर्राते हुए कहा, इस लड़के की नजर अच्छी है, अभी भी मौका है। घुटनों के बल बैठ जाओ और अपने कृत्य के लिए दया की भीख मांगो, शायद तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बख्श दूं। ऐसा कहकर इशिका वसु ने अपनी चाबुक को जोरों से हिलाया और उसका निशाना जो अभी तक गोल्डन पंख की ओर बढ़ रहा था, अब बदलकर विराज की ओर कर दिया। ये देखकर विराज ने हिकारत भरी नजरों से देखते हुए कहा, सिर्फ सेकेंड ग्रेड इननेट ग्रैंड मास्टर होने पर इतना गुरूर? कितना अहंकारी लड़का है। विराज की बात सुनकर इशिका वसु ने गुस्से से अपने दांत भींचते हुए कहा। उसके शरीर से एनर्जी की धारा पागल सांड की तरह बहने लगी। उसका चाबुक पूरी रफ्तार से विराज की तरफ हवा को भेदने की आवाज करता हुआ आने लगा। उस चाबुक की क्षमता भयावह थी। अगर कोई कमजोर मार्शल स्तर का योद्धा होता तो उस चाबुक के प्रहार से बुरी तरह से जख्मी हो गया होता। हालांकि विराज चाबुक के अपने और आने के बावजूद आराम से मस्त चाल से चलता हुआ आगे बढ़ रहा था, मानो वो किसी पार्क में टहल रहा हो, जैसे कि चाबुक का वो हमला उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता हो। ये देखकर इशिका वसु अचंभित हो गई। उसने अपने चाबुक की रफ्तार पहले से भी ज्यादा बढ़ा दी। इससे पहले इशिका वसु का चाबुक विराज के शरीर तक पहुंचता, बैंगनी रंग की 9 अधूरे संसार ज्वाला ने तेजी से आकर उस चाबुक को पकड़ लिया। 9 अधूरे संसार ज्वाला की तेज गर्मी से वो चाबुक 2 हिस्सों में टूट गया। मेरे उस्ताद को छूने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा, नादान बच्ची। ऐसा कहते हुए गोल्डन पंख ने आधे चाबुक को अपनी बैंगनी रंग की ज्वाला से जलाकर राख कर दिया। इसके ठीक बाद गोल्डन पंख ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। उसके दाहिने हाथ से निकलने वाली 9 अधूरे संसार ज्वाला देखते ही देखते सांप के आकार में बदल गई और वो ज्वाला सांप तेजी से इशिका वसु की ओर झपट पड़ा। गोल्डन पंख के इस खूंखार हमले को देखकर विराज ने तेज आवाज में कहा, इसे मारना मत। ऐसा कहते हुए विराज चलते हुए गैलरी को पार करके मुख्य हॉल में आ गया।
विराज की बात सुनते ही गोल्डन पंख सतर्क हो गया और उसके हाथों से निकलने वाली ज्वाला सांप तेजी से ज्वाला रस्सी में बदल गई और उस ज्वाला रस्सी ने तेजी से जाकर इशिका वसु को चारों ओर से घेर कर बांध दिया। इसके बाद गोल्डन पंख इशिका वसु को अपने साथ लेकर विराज के पीछे पीछे मुख्य हॉल में आ गया। मुख्य हॉल में जब वसु परिवार के लोगों ने गोल्डन पंख के जाल में इशिका वसु को फंसे देखा तो कई लोग तेजी से गोल्डन पंख की ओर झपटे ताकि इशिका वसु को गोल्डन पंख के जाल से मुक्ति दिला सके। हालांकि उन सभी लोगों की मार्शल क्षमता इशिका वसु से कम ही थी, लेकिन वो सभी गोल्डन पंख और इशिका वसु के पास तक भी नहीं जा पा रहे थे क्योंकि गोल्डन पंख के शरीर से निकलती 9 अधूरे संसार ज्वाला को पार करके इशिका वसु तक पहुंचने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मुख्य हॉल में मध्यम उम्र का इंसान जो वसु परिवार का मुखिया था, उसने जब इशिका वसु को गोल्डन पंख के शिकंजे में फंसा पाया तो वो घबरा गया और जोरों से चिल्लाया, इशिका! वसु परिवार के मुखिया के पीछे आरुष वसु खड़ा था। उसने जब अपने सामने विराज को खड़ा देखा तो उसकी हालत खस्ता हो गई और वो जोर से चिल्लाया, विराज! आरुष के शब्द सुनकर सभी लोग हतप्रभ नजरों से विराज की ओर देखने लगे। उन सभी ने सुन रखा था कि आरुष की पिटाई काल्पी सिटी में किसी विराज नाम के लड़के ने की थी। उस समय दक्ष परिवार की शनाया के साथ गए आरुष की विराज ने पिटाई की थी। आगे चलकर इसी विराज नाम के लड़के ने कलिंजर संस्थान में दाखिला लिया था और आरुष का साथ देने वाले अर्णव वसु को प्राचीन स्वर्गीय भूमि में मारकर घायल कर दिया था। ऐसे में जिस विराज का उन्होंने अभी तक सिर्फ नाम सुना था, उस विराज ने आज उनके पूरे परिवार पर हमला कर दिया था। इस बात से वो सभी अचंभित रह गए थे। वसु परिवार के मुखिया ने जब आरुष की बात सुनी और विराज को गौर से देखा तो डर और घबराहट का दौरा उसे पड़ गया और उसने डरते हुए कहा, फिफ्थ ग्रेड मार्शल मास्टर। ऐसा कहते हुए घबराहट के मारे उसके पैर कांपने लगे। वसु परिवार का मुखिया अच्छे से जानता था कि विराज ने कलेंजर संस्थान में अपनी प्रतिभा से काफी नाम कमाया था। हालांकि जितना उसे मालूम था कि कलेंजर संस्थान छोड़कर प्राचीन स्वर्गीय भूमि जाते समय विराज इननेट ग्रैंड मास्टर था, जहां पर एक मार्शल राजा योद्धा की मदद से जो प्राचीन स्वर्गीय भूमि में छिपा हुआ था अर्णव वसु को मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया था। उसकी खुद की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं थी। उस घटना को घटे 1 महीने का समय भी नहीं हुआ था और इतने कम वक्त में विराज एक फिफ्थ ग्रेड मार्शल आत्मा योद्धा बन चुका था। ऐसे में वसु परिवार के जीनियस योद्धा को तो छोड़ ही दो, इतिहास में बड़ा नाम कमाने वाली अग्नि देवी वैदेही की मार्शल स्तर बढ़ाने की गति भी विराज की गति की तुलना में काफी कम थी। ये समझकर वसु परिवार का मुखिया समझ गया कि विराज कोई सामान्य लड़का नहीं था। उसने डरते हुए विराज से कहा, अच्छा तो युवा मास्टर विराज हैं आप, तो क्या ये जान सकता हूं कि युवा मास्टर विराज अचानक से इस तरह हमारे घर क्यों घुस आए हैं? क्या हमसे कोई गुस्ताखी हो गई क्या? हालांकि वसु परिवार के मुखिया को अच्छे से मालूम था कि विराज यहां किसी नेक इरादे से तो नहीं आया था। उसकी इकलौती बेटी उसके चंगुल में थी, इसीलिए भले ही उसका मन हो रहा था कि विराज की गर्दन काटकर वसु परिवार के घर के बाहर टांग दे, फिर भी अपने अंदर के क्रोध को शांत करते हुए उसने आराम से कहा। वसु परिवार के मुखिया का सवाल सुनकर विराज के चेहरे पर कातिलाना मुस्कान आ गई। उसने मुखिया को हिकारत भरी नजरों से देखा और फिर जवाब दिया, जब तुम्हें पता है कि मैं यहां क्यों आया हूं तो व्यर्थ में सवाल पूछकर मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? विराज को अच्छे से मालूम था कि वसु परिवार के लोगों को पता था कि विराज यहां क्यों आया होगा। वसु परिवार ने कितनी ही बार विराज पर हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश की थी, ऐसे में विराज का बदला लेने के लिए आना स्वाभाविक था। आरुष जैसे मूर्ख को भले ही समझ न आए कि वहां क्या चल रहा था, लेकिन विदिशा में रहने वाले वसु परिवार के मुखिया को तो समझ आ रहा होगा कि वहां क्या चल रहा था। विराज की बात सुनकर
वसु परिवार का मुखिया कुछ गहरी सोच में डूब गया। विराज के तेवर देखकर उसे विराज के इरादे साफ नजर आ रहे थे। उसने विराज से सवाल इसीलिए पूछा था कि वो किसी तरह मामले को थोड़ा शांत कर सके। इस समय उसकी बेटी विराज के चंगुल में थी और हल्की सी भी लापरवाही से उसकी बेटी के प्राण जाया हो सकते थे। इस कारण से वो बेहद सतर्कता के साथ एक एक शब्द कहना चाह रहा था। कुछ सोचकर वसु परिवार के मुखिया ने कहा, ठीक है, अगर विराज इस कचरे आरुष के लिए यहाँ आया है तो मैं वसु परिवार का मुखिया आरुष वसु को विराज को सौंपने के लिए तैयार हूँ। विराज जो चाहे वो आरुष के साथ कर सकते हैं। मुखिया की बात सुनकर आरुष का चेहरा फटाका फटा रह गया। डर और घबराहट से उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे दिल का दौरा पड़ गया हो। क्या विराज वसु परिवार के मुखिया की बात मानकर केवल आरुष को लेकर वहां से चला जाएगा या फिर पूरे वसु परिवार का सफाया करने के बाद ही वहां से जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान आपके अपने पॉकेट एफएम पर। सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 196 मुट्ठी टेक्निक का जलवा। वसु परिवार के लोगों को जैसे ही मालूम चला कि उनके घर पर हमला करने वाला और कोई नहीं पर विराज था, वही विराज जिसका आरुष वसु के साथ कालपी सिटी में झगड़ा हो गया था। वसु परिवार के मुखिया को लगा कि विराज यहां आरुष वसु को मारने के इरादे से आया है। वसु परिवार के मुखिया की बेटी विराज के कब्जे में आ चुकी थी, इसीलिए वसु परिवार के मुखिया ने आरुष वसु को पकड़ लिया और विराज से कहा, इस नालायक लड़के ने आपके साथ गलत व्यवहार करने का दुस्साहस किया, आप इसके साथ जो करना चाहे वो कर सकते हैं। वसु परिवार आपके और इस आरुष के बीच नहीं उलझेगा, ये आपका शिकार है, हम इसे आपको देते हैं। जब से अर्णव वसु घायल हुआ था तब से आरुष वसु का वसु परिवार के अंदर संरक्षण समाप्त हो चुका था। यही कारण था कि वसु परिवार का मुखिया आरुष वसु को विराज को सौंपने के लिए आसानी से तैयार हो गया था। वसु परिवार के मुखिया की बात सुनकर विराज को जोरदार हंसी आ गई। उसके चेहरे पर मुखिया के लिए मजाक उभर आया। वो बोला, तुम्हें लगता है कि मैं यहां इस कचरे के साथ अपना हिसाब चुकता करने आया हूं? इस कचरे को तो कालपी सिटी में ही मैंने ढंग से सबक सिखा दिया था। कलिंदर संस्थान में दाखिला लेने के बाद अर्णव वसु ने मुझे भड़काने की कोशिश की। आगे चलकर वसु परिवार के लोगों ने कई बार मेरे ऊपर हमले करवाए। हालांकि हर हमले में वसु परिवार के लोगों को मौत के घाट मैंने उतार दिया। और इतना सब कुछ करने के बाद तुम लोगों को लगता है कि मामला सिर्फ मेरे और आरुष वसु के बीच का है? वर्धन परिवार और वसु परिवार के बीच आग और पानी का संबंध था। पिछले कई सौ सालों से वसु परिवार के लोगों ने जिस तरह वर्धन परिवार के लोगों पर बार बार हमले किए थे, तो आज ऐसे मौके को विराज अपने हाथों से कैसे जाने दे सकता था? विराज को अच्छे से मालूम था कि वसु परिवार के लोग कितने लीच किस्म के लोग थे। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए वसु परिवार के लोग हड्डी प्रजाति और भूत प्रजाति के साथ हाथ मिलाने तक से नहीं कतराते थे। इसीलिए अगर उसने ऐसे ट्यूमर को बढ़ने दिया तो ये वसु परिवार फिर से वर्धन परिवार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगेंगे। इसीलिए आज उसे किसी भी कीमत पर विदिशा के वसु परिवार का संपूर्ण सफाया करना ही था। वसु परिवार के किसी भी सदस्य को जिंदा छोड़ने पर वसु परिवार के लोग दूसरी प्रजातियों के साथ मिलकर वर्धन परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते थे। घटियापन और नीचतापन में वसु परिवार का कोई मुकाबला नहीं था। ऐसे शैतानों के साथ किसी भी तरह की दया बेवकूफी के अलावा कुछ और नहीं थी। विराज की हंसी और उसकी बात सुनकर वसु परिवार का मुखिया झल्ला उठा। उसकी आंखों में क्रोध की चिंगारियां सुलगने लगी। वसु परिवार कलिंजर अंपायर के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक था, इसीलिए वसु परिवार के मुखिया को नहीं लगा था कि एक लड़का उसके परिवार पर हमला करने का दुस्साहस करेगा। लेकिन अब यह तय हो चुका था कि विराज यहां आरुष से बदला लेने नहीं आया था, अभी तो पूरे वसु परिवार का सफाया करने आया था।
यह समझकर वसु परिवार के मुखिया ने आरुष वसु को छोड़ दिया। मुखिया की पकड़ से छूटते ही आरुष वसु थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। गुस्से से उसका माथा थमथमा रहा था। उसने अपनी कलाई को तेजी से झटका दिया और एक खंजर जिससे खूंखार विषैली आभा निकल रही थी उस खंजर को लेकर विराज की तरफ पूरी रफ्तार से बढ़ गया। वो खंजर बेहद पहना था और उसका आगे का हिस्सा हरे रंग से चमक रहा था और उससे डरावनी विषैली बदबू आ रही थी। उस खंजर को देखने से ही पता चल रहा था कि उस पर जहरीला जहर लगा था। अपने तरफ आते खंजर को देखने के बाद भी विराज अपनी जगह से नहीं हिला। वो नफरत भरी नजरों से आरुष वसु की ओर देखता रहा। जैसे ही खूंखार विषैला खंजर विराज के शरीर में लगने वाला था उसी समय लाल ड्रेस पहने इशिका वसु को गोल्डन पंख ने अचानक से विराज के सामने खड़ा कर दिया। इस तरह इशिका वसु विराज का कवच बन चुकी थी। अपनी तरफ जहरीले खंजर को तेजी से आता देखकर इशिका वसु की तेज चीख निकल गई। उस खंजर की हवा को भेजने की आवाज वहां सुनी जा सकती थी। उसी समय आरुष वसु के मुंह से खून की उल्टी बाहर निकलकर पड़ी और वो हवा में उड़ते हुए दूर जाकर पड़ा। उसके हाथों से खंजर छूटकर जमीन पर जाकर गिर पड़ा। आरुष के पीछे के कपड़े फटकर तार तार हो चुके थे और एक लाल हथेली की छाप उसके कमर पर छप चुकी थी। वो नजारा देखने में बेहद डरावना था। दर्द से आरुष वसु की चीख निकल पड़ी। वसु परिवार के मुखिया ने अपने हाथ से आरुष वसु की कमर पर जोरदार वार कर दिया था। इसके बाद वो कातिलाना नजरों से विराज और गोल्डन पंख की ओर देखने लगा। उसने अपने दांतों को पीसते हुए गुस्से से भरकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में इस तरह घुसकर मार काट मचाने की? ये कैसी बहादुरी है जो एक लड़की को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार है? क्या यही तुम्हारी बहादुरी है, हैं? एक लड़की को ढाल बनाकर लड़ना? वसु परिवार के मुखिया का दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। अगर उसने सही समय पर आरुष वसु पर हमला नहीं किया होता तो वो खंजर उसकी बेटी को लग जाता। उस खंजर पर लगा जहर कोई सामान्य जहर नहीं था। अगर वो जहर उसकी बेटी के जिस्म में चला जाता तो उसकी बेटी का जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता। मुखिया की बात पर गोल्डन पंख ने बिना विराज के कुछ कहने का इंतजार किए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम तुम्हारे साथ आमने सामने की सीधी लड़ाई लड़ते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? इसके ठीक बाद गोल्डन पंख ने सवालिया नजरों से विराज की ओर देखते हुए पूछा, उस्ताद अब समय आ गया है कि हम इन लोगों पर टूट पड़े। बहुत बात कर ली इन लोगों के साथ। गोल्डन पंख की बात सुनकर विराज ने सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार को बाहर निकाल लिया। विराज जब से वसु परिवार के घर में घुसा था उसने अपना हथियार तक बाहर नहीं निकाला था। गोल्डन पंख ही विराज के लिए सभी लोगों पर वार कर रहा था। उसने कहा, ठीक है गोल्डन पंख, अब अगर तुम खुलकर खेलना चाहते हो तो यही सही। इन लोगों को बताते हैं कि वर्धन परिवार पर हमला करने का क्या अंजाम होता है। विराज की बात सुनकर और उसका एक्शन देखकर गोल्डन पंख ने खुशी से झूमते हुए कहा, धन्यवाद उस्ताद। ऐसा कहकर उसने इशिका वसु को एक कोने में फेंक कर मारा और वसु परिवार के मुखिया की ओर देखकर कहा, ठीक है मैं तुझे एक अवसर देता हूं। अगर तू मुझे हरा देता है तो मैं तेरी बेटी को जिंदा जाने दूंगा, ये मेरा वादा है। गोल्डन पंख के ऐसा कहते ही नाइन्थ ग्रेड मार्शल सम्राट की आभा उसके शरीर से फट पड़ी और उसके हाथों में बैंगनी रंग की डरावनी ज्वाला पैदा होने लगी। इससे गोल्डन पंख को देखने मात्र से ही दहशत का दौरा किसी के भी दिल में पड़ जाता। श्रेष्ठ नाइन्थ ग्रेड मार्शल सम्राट, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने किसी अहंकार में आकर मेरे घर में अनाधिकार घुसपैठ करने की कोशिश की। तुम्हारी इस बचकाना कोशिश का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। गोल्डन पंख के शरीर से निकलने वाली आभा को महसूस कर वसु परिवार के मुखिया ने तेज आवाज में कहा, तुम सिर्फ मार्शल सम्राट योद्धा होकर मेरे घर पर हमला करने आ गए? तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि मौत क्या होती है।
ऐसा कहते ही वसु परिवार के मुखिया के शरीर से श्रेष्ठ नाइन्थ ग्रेड मार्शल सम्राट की शक्तिशाली आभा निकलने लगी। उसने दोनों हाथों में किसी रहस्यमय पदार्थ के बने ग्लव्स पहने हुए थे। उसने अपने दोनों हाथों को एक जोरदार झटका दिया और दोनों दस्तानों को गोल्डन पंख की ओर फेंक दिया। उन दस्तानों के उसके हाथ से निकलकर गोल्डन पंख की ओर जाने पर एक जोरदार आवाज हुई, मानो आकाश में बादल फट पड़े हो। वहां चारों ओर डर और घबराहट का माहौल पैदा हो गया। अपने दस्तानों को तेजी से फेंकने के बाद उसने कहा, अब मरो। वसु परिवार का मुखिया यह मानकर चल रहा था कि अपने दस्तानों के प्रहार से गोल्डन पंख ढह जाएगा। उसी समय वसु परिवार के मुखिया के पास खड़ा परिवार का दूसरा सदस्य चौंकते हुए बोला, मुझे इस बात का हल्का सा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे मुखिया की मुट्ठी तकनीक मैन एंड नेचर लेवल तक जा चुकी है। ये लड़का बड़ी मुसीबत में है। मुट्ठी तकनीक से निकले इन दस्तानों की शक्ति अतुलनीय है। मुझे नहीं लगता कि समान क्षमता का कोई भी योद्धा इन दस्तानों की नाशक शक्ति के सामने टिक सकता है। वसु परिवार के मुखिया की मुट्ठी तकनीक वसु परिवार की गुप्त तकनीक थी। ये एक लो ग्रेड पृथ्वी के कदम मुट्ठी तकनीक थी। इसकी शक्ति बेमिसाल थी। ये किसी भी लिहाज से मिड ग्रेड पृथ्वी के कदम मुट्ठी तकनीक से कम नहीं थी। इस तकनीक में मैन एंड नेचर को पाने वाले लोगों की संख्या न के बराबर थी। हालांकि कलिंजर संस्थान के विद्यार्थियों के लिए मुट्ठी तकनीक में मैन एंड नेचर लेवल को पाने में 1 से 2 साल का समय ही लगता था, लेकिन वसु परिवार में कलिंजर संस्थान के काफी कम विद्यार्थी थे। इस कारण से मुट्ठी तकनीक में मैन एंड नेचर लेवल को पाना वसु परिवार में बहुत बड़ी सफलता समझी जाती थी। वहां चारों ओर से लोगों की बातें सुनकर गोल्डन पंख सभी लोगों की तरफ गुस्से से देखने लगा और सोचने लगा, क्या सच में एक लो ग्रेड पृथ्वी रैंक की मार्शल स्किल को मैन एंड नेचर लेवल पर छूना बहुत बड़ी बात होती है? अगर गोल्डन पंख की बात की जाए और उसकी जन्मजात प्रतिभा को किनारे रखकर बात करें, तो वो स्वर्गीय स्तर की मार्शल तकनीक और स्किल को आसानी से मैन एंड नेचर लेवल तक सीख लेने का हुनर और काबिलियत रखता था। वो अभी तक पृथ्वी स्तर की कम से कम 5 मार्शल तकनीक में मैन एंड नेचर लेवल को प्राप्त कर चुका था। ये तो उसकी 9 अधूरे संसार ज्वाला ही इतनी विकराल और शक्तिशाली थी कि उसे इसके अलावा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का मौका ही नहीं मिलता था। वसु परिवार के मुखिया के दस्ताने जैसे ही गोल्डन पंख से टकराने वाले थे, गोल्डन पंख के शरीर से 9 अधूरे संसार ज्वाला अपनी पूरी शक्ति के साथ निकलने लगी और जल्द ही ज्वाला की एक दीवार गोल्डन पंख और दस्ताने के बीच बन गई। वसु परिवार के मुखिया के दस्ताने जाकर सीधे उस ज्वाला की दीवार से भिड़ गए। एक जोरदार आवाज के साथ ज्वाला की छींटे बौछारों के रूप में वहां चारों ओर बिखर गई। ज्वाला की वो बौछारें वसु परिवार के जिन भी लोगों पर जाकर गिरी, वो सभी लोग पलक झपकते ही राख के ढेर में बदल गए। वसु परिवार के बाकी लोगों ने जब ये नजारा देखा तो वो सभी लोग तेजी से कई कदम पीछे हट गए। उन सभी के चेहरों पर खौफ के बादल बरस पड़े। वो सभी गोल्डन पंख को डरावनी नजरों से देखने लगे। गोल्डन पंख की 9 अधूरे संसार ज्वाला पुनर्जन्म के 6 मार्गों की एक स्वर्गीय स्तर की ज्वाला थी, जिसका सामना करना बड़े बड़े वीरों के बस की बात नहीं थी। वसु परिवार के मुखिया का शक्तिशाली वार निरस्त हो चुका था, तो क्या विराज और गोल्डन पंख वसु परिवार के मुखिया के साथ साथ पूरे वसु परिवार को मौत के घाट उतारने वाले थे, या फिर अभी भी वसु परिवार के मुखिया के पास कोई गुप्त हथियार बचा था जिसका इस्तेमाल करके वो बाजी पलट सकता था? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान, ओनली ऑन पॉकेट FM। सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 197, वसु परिवार की हार। गोल्डन पंख की महान स्वर्गीय ज्वाला के कई चमत्कारिक उपयोग थे। वसु परिवार के लोगों की मार्शल क्षमता ज्यादा नहीं थी। वसु परिवार के मुखिया को छोड़कर अन्य सदस्यों में सबसे शक्तिशाली सदस्य 3rd ग्रेड मार्शल आत्मा योद्धा था। वो सभी विराज का एक शक्तिशाली प्रहार भी झेलने की स्थिति में नहीं थे,
और गोल्डन पंख की बैंगनी ज्वाला से बच पाना तो उनके लिए नामुमकिन था। लाल रंग की ड्रेस पहने इशिका वसु नौ अधूरे संसार ज्वाला के बीच में भी इसीलिए जिंदा थी क्योंकि विराज ने गोल्डन पंख को उसे न मारने का आदेश दिया था। इसी कारण से गोल्डन पंख उसको बचाते हुए सभी लोगों पर नौ अधूरे संसार ज्वाला छोड़े जा रहा था। अपने लोगों को ऐसे मरता देखकर विदिशा के वसु परिवार के मुखिया की आंखों में खौफ उतर आया। उसकी आंखों के सामने अभी भी उसकी बेटी गोल्डन पंख की ज्वाला की रस्सियों की कैद में थी। अपनी बेटी की सुरक्षा की वजह से वो गोल्डन पंख पर अपनी पूरी शक्ति से प्रहार नहीं कर पा रहा था। मुझसे लड़ते समय तुम अपनी क्षमता को छुपाने का दुस्साहस करोगे? वसु परिवार के मुखिया को देखकर गोल्डन पंख ने गुस्से से कहा। अगले ही पल उसके दोनों हाथों से नौ अधूरे संसार ज्वाला निकलने लगी और उससे एक लंबी तलवार बन गई और गोल्डन पंख ने उस ज्वाला तलवार को मुखिया की ओर बढ़ा दिया। जिस समय ज्वाला तलवार गोल्डन पंख के शरीर से बाहर निकली उसी समय तेजस्वी तलवार धार गोल्डन पंख के शरीर से बाहर निकलने लगी। उस तलवार धार की चमक इतनी तेज थी कि कोई भी उसे सीधे अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा था। गोल्डन पंख के शरीर से निकलने वाली तलवार धार को देखकर विराज चौंक गया। गोल्डन पंख ने तलवार की बाढ़ तकनीक को इतनी जल्दी आत्मसात भी कर लिया। विराज गोल्डन पंख की सीखने की क्षमता से बहुत प्रभावित हो रहा था। विराज ने तलवार की बाढ़ तकनीक गोल्डन पंख को आत्मा के संबंध के जरिए सिखाई थी जब उसके पास खाली समय होता था, लेकिन उसने ये कतई नहीं सोचा था कि गोल्डन पंख तलवार की बाढ़ तकनीक को इतने कम समय में पूरी तरह से आत्मसात कर लेगा। हालांकि अभी गोल्डन पंख तलवार की बाढ़ तकनीक में मैन एंड नेचर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन डोमिनेटिंग स्तर तक पहुंच चुका था और उसने तलवार बाढ़ तकनीक से तलवार धार बनाना भी सीख लिया था। अपने आप को शांत करते हुए विराज सम्राट समर सिंह की तलवार को हाथ में पकड़े हुए वसु परिवार के लोगों को चौकन्नी निगाहों से देखने लगा कि कहीं कोई गुप्त रूप से उन पर हमला तो नहीं कर रहा था। गोल्डन पंख की ज्वाला तलवार को अपने ऊपर आता देखकर मुखिया की हालत खराब हो गई। उसे अब अपनी बेटी से ज्यादा खुद की सुरक्षा की चिंता होने लगी। उसने अपनी हथेली को झटका दिया और उसके हाथों में फिर से नए दस्ताने आ गए जो अजीबोगरीब पदार्थों से बने थे। उन दस्तानों से हल्की और रहस्यमय रोशनी निकल रही थी। उसी समय उन दस्तानों से एक लंबी तलवार निकल आई। उस तलवार को लेकर वसु परिवार का मुखिया तेजी से ज्वाला तलवार की ओर झपटा। फट फट फट, अचानक से वो जगह तलवारों के कितने ही आपसी वारों से गूंज उठी। तलवारों के आपस में लगातार टकराने की आवाजें आ रही थी और बड़ी मात्रा में ज्वाला बार बार चारों ओर छिटकने और बिखरने लगी, जिससे वहां मौजूद वसु परिवार के लोग तेजी से पीछे की ओर भागने लगे ताकि उस ज्वाला की जलन से खुद ज्वलित ना हो जाए। वो सभी लोग उस नौ अधूरे संसार ज्वाला की शक्ति को देख चुके थे और अब उसके सामने पड़कर अपनी दर्दनाक मौत के गवाह नहीं बनना चाहते थे। विराज ने उसी समय अपनी तलवार से वसु परिवार के दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वहां मौजूद वसु परिवार के लोग विराज को देखकर इस बात से हतप्रभ हुए जा रहे थे कि विराज पर उस नौ अधूरे संसार ज्वाला का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। नौ अधूरे संसार ज्वाला बार बार विराज के ऊपर पड़ रही थी, लेकिन विराज का बाल भी उससे बाका नहीं हो रहा था। वास्तव में विराज और गोल्डन पंख के आत्मा के संबंध की वजह से विराज पर नौ अधूरे संसार ज्वाला का कोई असर नहीं हो रहा था। यहां तक कि आत्मा के संबंध के जरिए विराज गोल्डन पंख से नौ अधूरे संसार ज्वाला लेकर उसका उपयोग भी कर सकता था। वसु परिवार के लोग उस ज्वाला के बीच में भी एकदम सुरक्षित खड़े विराज को देखकर हतप्रभ हुए जा रहे थे। दूसरी ओर गोल्डन पंख की ज्वाला वसु परिवार के लोगों को एक के बाद एक राख के ढेर में बदलती जा रही थी। गोल्डन पंख के लगातार वारों से वसु परिवार का मुखिया लगातार हारता जा रहा था। धीरे धीरे गोल्डन पंख वसु परिवार के मुखिया पर हावी होता जा रहा था। वसु परिवार के मुखिया को समझ आने लगा था कि वो ज्यादा समय तक गोल्डन पंख को रोक नहीं पाएगा और जल्द ही गोल्डन पंख का शिकार बन जाएगा। उसने अपने शरीर से एनर्जी की धारा का विस्फोट छोड़ते हुए अपने परिवार के लोगों से कहा,
भाग जाओ यहां से, यहां से भागकर सीधे राजधानी चले जाओ और वहां जाकर बताना कि यहां पर क्या क्या हुआ था। मैं कुछ ही देर तक इन लोगों को रोक पाऊंगा। जाओ जाओ तुम राजधानी जाओ। मुखिया की बात सुनकर वसु परिवार के लोगों में घबराहट तैर गई। उन्हें समझ आ गया कि वसु परिवार का नाश निकट था। वहां चारों ओर चीख पुकार मच गई। वसु परिवार के सभी लोग तेजी से बाहर की ओर भागने की कोशिश करने लगे। जल्द ही हॉल में मौजूद वसु परिवार के बचे हुए लोग तेजी से हॉल से बाहर निकलकर भाग गए। हॉल में सिर्फ बस गोल्डन पंख, विराज, इशिका वसु और मुखिया ही बचे रह गए थे। विराज ने जब वसु परिवार के लोगों को डर से बाहर की ओर भागते हुए देखा तो उसके चेहरे पर कातिलाना हंसी उभर आई। उसने सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार को वापस रख लिया और हॉल में रखी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। फिर उसने गोल्डन पंख से कहा, इसे जिंदा रखना। गोल्डन पंख की ज्वाला तलवार वसु परिवार के मुखिया के गर्दन के एकदम पास आ चुकी थी और अगले ही पल मुखिया की गर्दन उसके धड़ से काटने को तैयार थी। लेकिन विराज की आवाज सुनते ही गोल्डन पंख रुक गया और उसकी ज्वाला तलवार मुखिया के गर्दन के एकदम पास जाकर रुक गई। ये देखकर पसीने के कितने ही बूंदे मुखिया के माथे से गिरने लगी। नौ अधूरे संसार ज्वाला की तपती गर्मी से मुखिया का दाया कांधा बुरी तरह से जल गया। इसके ठीक बाद ज्वाला तलवार गायब हो गई। गोल्डन पंख की शक्ति सामान्य लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा थी। भले ही वो एक नाइन्थ ग्रेड मार्शल सम्राट था लेकिन उसकी शक्ति किसी भी हाल में नाइन्थ ग्रेड मार्शल राजा के बराबर थी। अगर विराज ने गोल्डन पंख को ना रोका होता तो अभी तक वसु परिवार का मुखिया मर चुका होता। गोल्डन पंख ने वसु परिवार के मुखिया को विराज के पैरों पर फेंक दिया। उसी समय गोल्डन पंख की उंगली से बैंगनी रंग की ज्वाला रस्सियां निकली और उन ज्वाला रस्सियों ने वसु परिवार के मुखिया को बांध दिया ताकि वसु परिवार का मुखिया किसी तरह का कोई हमला ना कर सके। अपने आप को विराज के पैरों में पड़ा देखकर और ज्वाला रस्सियों से कैद पाकर हताशा, निराशा और क्रोध से उबलते हुए वसु परिवार के मुखिया ने लाल तप्त आंखों से विराज को खा जाने वाली दृष्टि से देखते हुए कहा, बच्चे, भले ही तूने कलिंजर संस्थान में खूब नाम कमाया हो लेकिन वसु परिवार के साथ यूं सीधे सीधे उलझना समझदारी भरा कार्य नहीं है। मेरी कब्र के साथ साथ तूने अपनी खुद की कब्र भी खोद दी है। जल्द ही वसु परिवार के शिकारी दल के हत्यारे तुझे ढूंढ कर तेरी इस दृष्टता की सजा तुझे देंगे। वसु परिवार के मुखिया की बात सुनकर विराज के चेहरे पर नफरत और हंसी के भाव एक साथ प्रकट हो गए और उसने हिकारत भरी नजरों के साथ मुखिया को देखते हुए कहा, जिस तरह मैं यहां हमला करने का साहस रखता हूं वैसे ही मैं राजधानी के वसु परिवार को भी झेलने का साहस रखता हूं। वसु परिवार पहले भी अपने शिकारी दल को मुझे मारने भेज चुका है। तुझे तो पता ही होगा उनका अंजाम क्या रहा। हाँ, फिर भी मुझे ऐसे दो कौड़ी के शिकारी दल से डराने की हिम्मत दिखा रहा है। हाँ, मेरे हाथों तो पहले भी वसु परिवार के लोग मारे जा चुके हैं और आगे भी मारे जाते रहेंगे। विराज की बात सुनकर वसु परिवार का मुखिया चुप रह गया। उसे अच्छे से मालूम था कि विराज ने आरुष और अर्णव वसु का क्या हाल किया था। साथ ही शिकारी दल के पांच हथियारों को मौत के घाट उतार दिया था और अब विराज ने सीधे वसु परिवार पर ही हमला कर दिया था, जिसका साफ मतलब था कि विराज और वसु परिवार की दुश्मनी कभी ना खत्म होने वाली दुश्मनी में बदल चुकी थी। जिसका साफ मतलब था कि अगर विराज विदिशा से वसु परिवार का नामो निशान भी मिटा देता तो उससे विराज पर कोई असर नहीं पड़ता। दुश्मनी तो हो ही चुकी थी। मुखिया के पास बस एक ही उम्मीद बची थी कि विदिशा का वसु परिवार का कोई एक सदस्य भी किसी तरह राजधानी पहुंचकर विदिशा में हुए कांड की इत्तला कर सके ताकि राजधानी का वसु परिवार विराज से सावधान हो सके और विराज के किसी भी संभावित हमले से खुद को तैयार रख सके। इसके साथ ही वसु परिवार के लोग विदिशा से भागते समय अपने साथ कुछ दुर्लभ खजाने ले जा सके जिससे वो दुर्लभ खजाने दुश्मनों के हाथ ना पड़े।
वसु परिवार के मुखिया के चेहरे के बदलते भावों को देखकर विराज ने कठोरता के साथ कहा, तुम ये गलतफहमी मत पाल लेना कि वसु परिवार का एक भी सदस्य यहां से भागने में कामयाब हो जाएगा और राजधानी तक पहुंच जाएगा। मैंने जिस समय वसु परिवार पर हमला करने का निर्णय किया था, उसी समय ये सारी तैयारियां करना भी शुरू कर दिया था, ताकि वसु परिवार का एक भी कॉकरोच यहां से जिंदा बचकर ना जाने पाए। विराज ने जैसे ही अपनी बात कही, उसी समय घर के बाहर से तलवारों के आपस में टकराने की जोरदार आवाजें आने लगी, साथ ही वसु परिवार के लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। अनगिनत आवाजें हवा में महसूस होने लगी। उन आवाजों को सुनकर साफ पता लग रहा था कि बाहर वसु परिवार के लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। उन आवाजों को सुनकर वसु परिवार का मुखिया चौंकते हुए बोला, विदिशा के गुप्त पहरेदार और कुरूनी सेना। वो अजीब नजरों से विराज को देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विदिशा के गुप्त पहरेदार और कुरूनी सेना विराज का साथ दे रही थी और विराज के साथ मिलकर वसु परिवार पर हमला करने की हिम्मत दिखा रही थी। उसे अब समझ आने लगा था कि क्यों रात भर में विदिशा के गुप्त पहरेदार और कुरूनी सेना ने विदिशा शहर के साथ साथ वसु परिवार के सभी घरों को चारों ओर से घेर लिया था। शुरू में तो मुखिया को फौज की ये चाल समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब सब कुछ उसकी आंखों के सामने स्पष्ट होता जा रहा था। विदिशा के गुप्त पहरेदारों ने गुप्त रूप से विराज के साथ मिलकर वसु परिवार के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच डाला था। आरुष वसु, जो लंबे समय से घायल पड़ा था, वो किसी तरह उठकर बैठा ही था, लेकिन जब उसने देखा कि बाजी पूरी तरह से विराज के हाथों में जा चुकी थी, तो वो चक्कर खाकर बेहोश हो गया। वसु परिवार का अंत निकट था, तो क्या विराज इशिका वसु और मुखिया को मार डालेगा या फिर उन दोनों को कैद करके उनका उचित मूल्य कहीं और से हासिल करेगा? वसु परिवार का अंत करने के बाद विराज आगे क्या करने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 198, वसु परिवार का अंत। वसु परिवार के मुखिया को समझ आने लगा था कि पिछली रात भर से पूरे विदिशा शहर में विदिशा के गुप्त पहरेदारों और कुरूनी सेना की घेराबंदी उन्हीं के लिए हो रही थी। तुमने बिल्कुल सही समझा, विराज ने हल्की मुस्कान के साथ शरारती अंदाज में कहा। विदिशा के गुप्त पहरेदार और कुरूनी सेना ने मिलकर तुम्हारे सभी आवासों को चारों ओर से घेर लिया है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, वसु परिवार के मुखिया ने चौंकते हुए कहा। मगर ये कैसे मुमकिन है? वसु परिवार पर इस तरह खुलेआम हमला करने की हिम्मत इन लोगों में कहां से आ गई? क्या इन्हें राजधानी के वसु परिवार के कोप का जरा सा भी भय नहीं है? हाँ, राजधानी में वसु परिवार के पास एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा है। जरा सोचो, जब उन्हें पता चलेगा तो विदिशा के गुप्त पहरेदारों और कुरूनी सेना का क्या होगा? घमंडी लड़के, तुमने अपने साथ साथ पूरी फौज को मौत के खतरे में ला दिया है। वसु परिवार के मुखिया को ऐसा इसीलिए लग रहा था क्योंकि बहुत लंबे समय से वसु परिवार कलेंजर अंपायर की न जाने कितनी ही शक्तियों को परेशान करता आ रहा था। इसके बावजूद कोई भी शक्ति उन पर खुलकर हमला करने से बचती ही रही थी। इसी कारण से वसु परिवार के लोगों ने इस गलत फहमी में जीना शुरू कर दिया था कि कलेंजर अंपायर के अंदर कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यही कारण था कि कलेंजर अंपायर की कई शक्तियां वसु परिवार से बुरी तरह से झल्लाई बैठी थी, जो बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी जब वो वसु परिवार को उनके किए की सजा दे सके। आरुष वसु, जिसे राजधानी से निर्वासित कर दिया गया था और जिसने भागकर विदिशा में शरण ले ली थी, वो भी अपने परिवार के बल पर विदिशा शहर में मनमानी करता फिरता था। विदिशा नगर के अन्य शक्तिशाली परिवार किसी तरह आरुष के मनमाने व्यवहार को नजरअंदाज करते रहे थे। इस तरह वसु परिवार का विदिशा नगर में अच्छा खासा सिक्का चलता था,
इसी कारण से वसु परिवार के मुखिया को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि विदिशा नगर की अन्य शक्तियां उनके विरुद्ध सर उठाने का साहस कर रही थी। वसु परिवार के मुखिया की गहरी उलझन को समझकर विराज ने उसे कुरेदते हुए कहा, अरे इसमें इतना सोचने का कुछ नहीं है। मैंने विदिशा के गुप्त पहरेदार के सेनापति को राजा स्तर की बाधा पर हथौड़ा गोलियों की बोतल दी और इसके बदले वसु परिवार को नियंत्रित करने के लिए उनसे मदद मांगी, जिसे देने के लिए वो तैयार हो गए। सोचो, तुम्हारे वसु परिवार के प्रभाव की वजह से मुझे इतनी कीमती गोलियां गंवानी पड़ी। राजा स्तर की बाधा पर हथौड़ा गोली। जब वसु परिवार के मुखिया ने यह सुना तो उसकी भौहें सिकुड़ गई और पुतलियां फैल गई। उसे अच्छे से मालूम था कि इस तरह की गोलियां कितनी ज्यादा मूल्यवान और दुर्लभ होती थी। राजा स्तर की बाधा पर हथौड़ा गोली की एक गोली के लिए भी युद्ध हो सकते थे, और यहां पर वसु परिवार को नेस्ता नाबूद करने के लिए विराज ने गोलियों की एक पूरी बोतल दे डाली थी। वो सोचने लगा, आखिर ये विराज कब से हमारे ऊपर हमला करने की योजना बना रहा था। वसु परिवार के मुखिया के बदलते हुए भावों को देखकर विराज को समझ आ रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा था, लेकिन उसने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने गोल्डन पंख की ओर देखकर उसे आदेश दिया, इन दोनों को पकड़कर ले चलो, फिलहाल ये दोनों जिंदा हमारे काफी काम आने वाले हैं। हालांकि पहले विराज का मन वसु परिवार के हर सदस्य को मार डालने का था, लेकिन उन दोनों की प्रतिभा और क्षमता को देखकर उसने उन दोनों को मारने का निर्णय फिलहाल टाल दिया था। इशिका वसु की प्रतिभा को देखकर विराज समझ गया था कि इशिका वसु का कद वसु परिवार में अच्छा ही होगा। वो एक जीनियस थी जिसे वसु परिवार पोषित कर रहा था। वो इन दोनों के बदले राजधानी के वसु परिवार के साथ सौदेबाजी करके कुछ लाभ हासिल कर सकता था। इसके साथ ही वसु परिवार के रुद्र परिवार और चंद्रवंशी परिवार के साथ भी काफी खराब संबंध थे। इस कारण से विराज को यकीन था कि इन दोनों को तोहफे के रूप में पाकर विपुल और अयान बहुत खुश हो जाते। इस समय तक मुख्य हॉल के बाहर चीख पुकार बहुत ज्यादा होने लगी थी। अंशुमान अपनी फौज के साथ वसु परिवार को घेरे खड़ा था, और वसु परिवार के लोगों के बाहर भागने पर वो अपनी फौज के साथ वसु परिवार के लोगों का सफाया करने में व्यस्त था। विदिशा के गुप्त पहरेदारों की फौज और कुरुनी सेना एक एक घर में घुस घुस कर वसु परिवार के लोगों को मौत के घाट उतार रही थी। घरों से बाहर निकलकर भागने वाले वसु परिवार के लोग भी फौज के हाथों मारे जा रहे थे। बाहर मची चीख पुकार सुनकर इशिका वसु और मुखिया का दिल बैठा जा रहा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। गोल्डन पंख ने उन दोनों को अपने ज्वाला रस्सियों से बांधकर मुख्य हॉल के एक कोने में पटक रखा था। उसी समय बेहोश पड़े आरुष को होश आ गया। उसने उठकर देखा तो वो समझ गया कि उसका अंत नजदीक था। वो विराज के पैरों में जाकर गिर गया और उसने उससे जिंदगी की भीख मांगी, विराज विराज मुझे जाने दो। विराज ने हंसते हुए आरुष से कहा, तुझे जिंदा जाने देने में भला मेरा क्या भला। विराज की बात सुनकर आरुष गहरी सोच में पड़ गया और फिर उसने कुछ सोचकर कहा, है एक लाभ है, हमारे इस घर से एक गुप्त रास्ता विदिशा शहर से बाहर निकलता है। उस रास्ते के बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। अभी तक तो हमारे कुछ लोग उस रास्ते से होकर बाहर निकलने के लिए रवाना भी हो चुके होंगे। आरुष की बात सुनते ही वसु परिवार का मुखिया गुस्से से चीखते हुए बोला, चुप हो जाओ नमक हराम, अपने ही परिवार के साथ गद्दारी करता है, शर्म नहीं आती तुझे। आरुष की बात सुनते ही विराज की आंखें फैल गई। उसने आरुष के गिरेबान को पकड़ते हुए नफरत से पूछा, गुप्त रास्ता? ठीक है, तुम मुझे उस गुप्त रास्ते का पता बता दो और मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा। विराज की बात सुनते ही आरुष के चेहरे पर रौनक लौट आई और उसने एक सांस में विराज को उस गुप्त रास्ते का पता बता दिया। आरुष की इस कायरतापूर्ण हरकत को देखकर
इशिका वसु और मुखिया ने शर्म से अपना चेहरा नीचे झुका दिया। इशिका ने गुस्से से कहा, देखा बाबा, इसीलिए मैं इस कायर की इतनी आलोचना करती थी। इस गद्दार ने आज अपने ही परिवार को धोखा दे दिया है। अभी तक सुखदेव थापड़ अपनी फौज के कुछ सिपाहियों के साथ मुख्य हॉल में आ चुके थे। उन्होंने भी आरुष के बताए रास्ते के बारे में सुन लिया था। उन्होंने विराज से कहा, विराज तुम निश्चित रहो, मैं तुरंत उस रास्ते से अपने सैनिक भेजता हूँ, साथ ही शहर के बाहर जहाँ वो रास्ता खुलता है वहाँ भी अपने सबसे तीव्र घुड़सवार भेजता हूँ। वसु परिवार के लोग किसी भी हाल में बचकर भाग नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर सुखदेव थापर वहां से चले गए। बाहर से अभी भी तलवारों की आपस में लगातार टकराने की, गड़गड़ाने की और भिड़ने की आवाजें आ रही थी। विदिशा के गुप्त पहरेदार और कुरुनी सेना मौत बनकर वसु परिवार के लोगों का सफाया करने में लगी थी। काफी देर तक वसु परिवार और विदिशा के गुप्त पहरेदार और कुरुनी सेना के बीच चली लड़ाई के बाद वसु परिवार खत्म होने के कगार पर आ चुका था। वसु परिवार के लोग चारों ओर से घिर गए थे। इस कारण से उनके पास बचकर भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। जल्द ही वसु परिवार के लोगों का पूरी तरह से सफाया हो गया। वसु परिवार का एक भी इंसान वहां से जिंदा बचकर भागने में सफल नहीं रहा। विराज अभी तक मुख्य हॉल से बाहर आ चुका था। विराज के पीछे पीछे गोल्डन पंख अपने ज्वाला रस्सियों से पकड़कर इशिका वसु और वसु परिवार के मुखिया को लेकर आ गया था। आरुष के साथ विराज ने कुछ और ही खेल खेला था। वो जीवित था या मृत, ये उस समय एक पहेली बन चुका था। इसीलिए आरुष विराज और गोल्डन पंख के साथ नहीं था। मुख्य हॉल से बाहर आने पर उसने जब बाहर का नजारा देखा तो उसे कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ। वहां चारों ओर दूर दूर तक वसु परिवार के लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थी। सारा मैदान वसु परिवार के लोगों के खून से भर गया था। दूसरी ओर वसु परिवार के खून से नहाए विदिशा के गुप्त पहरेदार और कुरुनी सेना के सिपाही अपने हाथों में नंगी तलवार लिए खड़े थे। वसु परिवार का ये बुरा हाल राजधानी के वसु परिवार की साख पर गहरा भट्टा लगाने के लिए काफी था। जब वसु परिवार के मुखिया ने बाहर का नजारा देखा तो उसकी आंखें फट पड़ी। उसे जोर से उल्टी आ गई और वो उल्टियां करने लगा। उसके अपने लोग लाशें बनकर मैदान में बिखरे पड़े थे और उसे चक्कर आने लगे। इशिका वसु की भी हालत काफी खराब हो गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि कुछ देर पहले तक जहां सब कुछ इतना सही चल रहा था वहां कुछ ही देर में इतना बड़ा विनाश हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ कुछ गोलियों के बदले विदिशा के गुप्त पहरेदार और कुरुनी सेना इन दो जंगली लोगों के साथ मिलकर वसु परिवार पर हमला कैसे कर सकते थे। इसे एक दिन पहले तक तो विदिशा शहर के प्रमुख भी वसु परिवार के साथ बेहद सम्मान के साथ व्यवहार कर रहे थे। विदिशा शहर में किसी की भी हिम्मत तक नहीं पड़ती थी कि वसु परिवार पर उंगली तक उठा दे, और आज अचानक से इतनी बड़ी हिमाकत की पूरे वसु परिवार का ही अंत कर दिया। वो सोचने लगी, क्या इन लोगों को राजधानी के हमारे वसु परिवार के क्रोध से डर नहीं लग रहा? इस छोटी सी विदिशा नगरी की राजधानी के वसु परिवार के सामने क्या ही औकात है? इसकी कीमत तो इन्हें चुकानी ही पड़ेगी। ऐसा सोचकर वो फूट फूट कर रोने लगी। वसु परिवार के मुखिया और इशिका वसु क्या सोच रहे थे इसकी परवाह विराज को रत्ती भर भी नहीं थी। उसे तो इस समय इस बात की परवाह थी कि वसु परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा यहां से बचकर ना जा पाए। उसी समय सुखदेव थापड़ का संदेश विराज को मिला। संदेश में लिखा था कि उस गुप्त रास्ते को खोज लिया गया है। उस रास्ते के दोनों ओर कुरुनी सेना के सिपाहियों को तैनात कर दिया गया है। उस रास्ते से भागने की कोशिश कर रहे वसु परिवार के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। उस संदेश को पढ़कर विराज के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उसने मुखिया की ओर देखकर कहा, उस गुप्त रास्ते पर भी नियंत्रण हो चुका है। वसु परिवार के सभी लोग जो उस रास्ते से भागने की कोशिश कर रहे थे, वो सभी भी मारे जा चुके हैं। यह सुनकर वसु परिवार के मुखिया की बची कुची आशा भी मर गई और वो एक जिंदा ठंडी लाश की तरह जमीन पर बेदम होकर गिर पड़ा।
विदिशा के गुप्त पहरेदार की फौज और कुरुनी सेना विराज की सोच से भी ज्यादा मुस्तैद और सक्षम साबित हुई। वसु परिवार के एक भी सदस्य को भागने का अवसर तक नहीं मिला। विराज का असाइनमेंट वसु परिवार को बड़ा नुकसान पहुंचाना अब पूरा हो चुका था, तो अब विराज आगे क्या करने वाला था? विराज ने इशिका, वसु और मुखिया को नहीं मारा था, क्या उन दोनों को लेकर उसके दिमाग में कोई योजना पनप रही थी? वसु परिवार के सफाये के साथ ही विदिशा के वसु परिवार की संपत्तियों के सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 184 प्रकृतिकार तांडव। विराज साधना की अवस्था में बैठा हुआ था। धरती सेल्फ मेड शक्तिमान ओनली ऑन पॉकेट FM सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 199 कनव से मुलाकात। विराज विदिशा से गुप्त पहरेदार और कुरुनी सेना से काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा था। अंजुमान ने विराज से वादा किया था कि वसु परिवार का एक मच्छर तक भी विदिशा शहर से बाहर भाग पाने में सफल नहीं हो पाएगा, और अपनी बात के अनुरूप अंशुमान ने वसु परिवार के किसी भी सदस्य को विदिशा से बाहर भागने नहीं दिया। लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। वसु परिवार के सेवकों को बंदी बनाकर एक स्थान पर कैद कर लिया गया था। कोई भी बचकर भागने में सफल नहीं रहा। विदिशा शहर के चप्पे चप्पे पर फौज का पहरा था। वसु परिवार पर हुए हमले के बाद विदिशा की कोई भी शक्ति वसु परिवार की मदद न कर सके, इस बात का खास ध्यान अंशुमान ने रखा हुआ था। विदिशा के गुप्त पहरेदारों के गुप्तचर पूरी तरह से सक्रिय थे, ताकि अगर कोई गुप्त तरीके से वसु परिवार को सहायता देने की कोशिश करे तो उसका समय से पहले ही पता लग जाए। विदिशा नगर इस समय पूरी तरह से अंशुमान के नियंत्रण में था। लड़ाई समाप्त हो जाने के बाद अंशुमान भीड़ में से होता हुआ विराज के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके शरीर से कातिलाना आभा निकल रही थी। उसने युद्ध पोशाक पहने हुई थी और उसकी सारी पोशाक खून से सनी हुई थी। अंशुमान को अपने सामने पाकर विराज ने नतमस्तक होकर कहा, सेनापति के इस अथक प्रयास के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अंशुमान ने एक महान सेनापति की तरह इस पूरी कार्यवाही को नियंत्रित किया था। इस पूरी लड़ाई में अंशुमान ने भी कम से कम वसु परिवार के 5 लोगों को मार गिराया था। बिना अंशुमान की मदद के ये लड़ाई उस रूप में कतई नहीं लड़ी जा सकती थी जिस रूप में विराज चाहता था कि ये लड़ाई लड़ी जाए। विराज अंशुमान की इस शानदार उपलब्धि और प्रयास के लिए उसे कुछ ना कुछ तोहफे में देने की सोचने लगा। कुछ देर गंभीर रूप से विचार करने के बाद उसने अपनी कलाई को हल्का झटका दिया और एक चीनी मिट्टी की बनी बोतल उसके हाथ में प्रकट हो गई, जिसे उसने अंशुमान के हाथों में थमाते हुए कहा, सेनापति, आपने अपने वादे से बढ़कर अपना वचन निभाया है। जिस तरह से आपने एक लड़के को दिए गए वचन के लिए पूरे विदिशा शहर को सील बंद कर दिया और अपनी पूरी ताकत उस एक वचन को पूरा करने में लगा दी, उसके लिए आपको नमन। साथ ही आपको ये ऊर्जा घर गोलियों की बोतल तोहफे में देना चाहता हूं। इन गोलियों की मदद से सेनापति मार्शल सम्राट स्तर तक जल्दी पहुंच सकेंगे। अंशुमान ने इस लड़ाई में अपना 5th ग्रेड मार्शल पूर्व स्तर पहले ही प्रदर्शित कर दिया था। इसके साथ ही युद्ध रचनाकार तकनीक और कुछ रहस्यमय तकनीकों के बल पर अंशुमान 9th ग्रेड मार्शल पूर्व स्तर तक के योद्धा तक को मौत के घाट उतार सकता था। अंशुमान की काबिलियत और नेक दिल देखकर विराज इस तोहफे के जरिए अंशुमान का दिल जीतना चाहता था। वसु परिवार के खात्मे के बाद विराज के सामने एक नई चुनौती आकर खड़ी हो गई थी, और वह चुनौती ये थी कि वसु परिवार की संपत्ति पर वर्धन परिवार के लोगों को स्थापित करना। इसमें समस्या ये थी कि विराज और इंद्रा वसु के लिए मुमकिन नहीं था कि वो हर समय विदिशा नगर में रहकर वर्धन परिवार की हिफाजत कर सके। वसु परिवार के खात्मे के बाद बहुत सारे घर और संपत्तियां खाली हो चुके थे। इन संपत्तियों पर विदिशा नगर के ही अन्य शक्तिशाली परिवारों की लालची नजरें न पड़े ऐसा होना संभव नहीं था। जब तक विराज और इंद्रा वसु विदिशा नगर में होते,
तब तक तो वो विदिशा नगर की सभी शक्तियों को अपनी प्रतिभा के बल पर डराकर शांत रख सकते थे। लेकिन उन दोनों के विदिशा नगर छोड़ने के बाद वसु परिवार की संपत्तियों को पाने के लिए ये शक्तिशाली परिवार गुपचुप रूप से षड्यंत्र शुरू कर देते। इस वजह से भी विराज के लिए जरूरी हो गया था कि वो किसी भी हाल में अंशुमान का दिल जीत ले। ऊर्जा घर गोलियों की ये बोतल अयान और बाकी लोगों को वर्धन परिवार की विरासत हासिल करते समय मिली थी, जिसे अयान ने विराज को दे दिया था। विराज खुद उन गोलियों का उपयोग नहीं करने वाला था, इसीलिए इन गोलियों का उपयोग वो अपने संबंधों को बेहतर बनाने में कर सकता था। वैसे भी अपनी गोली बनाने की असीम क्षमता, साथ ही 9th ग्रेड एल्केमिस्ट के ग्रंथ की मदद से विराज ऊर्जा घर गोली को खुद भी बना पाने की स्थिति में था। अंशुमान को भी समझ आ रहा था कि विराज अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए उसे ये गोलियों की चीनी मिट्टी की बोतल तोहफे में दे रहा था। अंशुमान ने विराज को मना नहीं किया और उससे वो गोलियां तोहफे में ले ली। सच तो ये भी था कि अंशुमान खुद भी विराज के साथ अच्छे और मधुर संबंध विकसित करना चाहता था। विराज की प्रतिभा को देखकर अंशुमान उसका कायल हो चुका था। उसने जब विराज को पहली बार काल्पी सिटी के बाहर देखा था तो वो एक 7th ग्रेड मार्शल मास्टर योद्धा था और केवल कुछ ही महीनों में वो 5th ग्रेड मार्शल आत्मा योद्धा बन चुका था। यह अपने आप में एक असंभव काम को संभव कर दिखाने की तरह था। अपने पूरे जीवन काल में अंशुमान ने देखना तो दूर की बात थी, कभी सुना तक भी नहीं था कि किसी ने इतनी तेज रफ्तार से अपना मार्शल लेवल बढ़ाया हो। यहां तक कि अग्नि देवी वैदेही, जिसकी दुनिया मिसाल देती थी, उसकी भी रफ्तार इतनी तेज नहीं थी। अग्नि देवी के बारे में यह कहा जाता था कि जिस समय वो पैदा हुई थी उसी समय वो एक इननेट ग्रैंड मास्टर थी, यानी कि अपनी मां की कोख में ही उसने अपना मार्शल लेवल बढ़ाना शुरू कर दिया था। जब वो 7 साल की हुई थी तो एक मार्शल आत्मा योद्धा बन चुकी थी। अग्नि देवी वैदेही को इननेट ग्रैंड मास्टर से मार्शल आत्मा योद्धा बनने में 3 साल से अधिक समय लगा था, जबकि विराज को तो कुछ ही महीने ही लगे थे। इसके साथ ही विराज की गोली बनाने की क्षमता भी बिरला ही थी। कलिंदर संस्थान में दाखिला लेने से पहले ही विराज खून सी ठंडक गोली बनाकर अपने दुर्लभ प्रतिभा को प्रदर्शित कर चुका था। खून सी ठंडक गोली की जटिलता के आधार पर यह गोली किसी भी हाल में 7th ग्रेड गोली की श्रेणी में आती। कलिंजर संस्थान में दाखिला लेने के साथ ही विराज की प्रतिभा का लोहा पूरे कलिंजर संस्थान में माना जाने लगा। इतने बड़े संस्थान में अपने नाम का डंका बजवा देना कोई छोटी बात नहीं थी। इसीलिए इतनी महान प्रतिभा के धनी विराज से अच्छे संबंध बनाना अंशुमान के लिए भी हितकारी था। विराज के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी जब उसने देखा कि अंशुमान ने उसका तोहफा सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद विराज ने वसु परिवार के लोगों की ओर देखा, जिन्हें विदिशा के गुप्त पहरेदार और कुरुनी सेना ने पकड़कर बंदी बना लिया था, और फिर अंशुमान से कहा, मुझे सेनापति को थोड़ा और कष्ट देना होगा। इन बंदियों को अभी 2 दिनों तक आपको अपने पास ही रखना होगा। 2 दिनों में कोई यहां आएगा और इन बंदियों के साथ जो करना होगा वो करेगा। विराज ने यह नहीं सोचा था कि अंशुमान की फौज वसु परिवार के इतने सारे लोगों को जिंदा बंदी बना लेगी। हालांकि ये विराज के लिए कोई खास बड़ी बात नहीं थी। वसु परिवार के इन लोगों को रुद्र परिवार और चंद्रवंशी परिवार को तोहफे में भेज सकता था। विराज को पक्का यकीन था कि वसु परिवार के लोगों को वो दोनों परिवार खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। अंशुमान ने सहमति के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा, कोई समस्या नहीं, विदिशा के गुप्त पहरेदारों की जेल खाली ही पड़ी है। वहां पर वसु परिवार के इन लोगों को 2-3 दिन तक आराम से रखा जा सकता है। इसके बाद विराज ने गोल्डन पंख की ओर देखकर कहा, गोल्डन पंख, तुम यही रहो और वसु परिवार के लोगों पर नजर रखने में सेनापति की मदद करो। प्रणवदा जल्दी ही वर्धन परिवार के कुछ लोगों को विदिशा नगर भेज देंगे और उसके बाद मैं कलिंजर संस्थान चला जाऊंगा। विराज की बात सुनकर गोल्डन पंख ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, उस्ताद आप चिंता ना करें, वसु परिवार का कोई भी कैदी मेरे रहते फरार नहीं हो पाएगा। गोल्डन पंख की बात सुनकर विराज का चेहरा खिल उठा।
उसने अपना हाथ उठाया और सभी लोगों का अभिवादन करके वो वहां से सीधे अंगिरा के घर की ओर चल पड़ा। अंगिरा विदिशा के कलिंजर संस्थान का गाइड था। विराज पहली बार कलिंजर संस्थान अंगिरा के साथ ही गया था। अंगिरा के पास विदिशा शहर का इकलौता टेलीपोर्टेशन रचनाकार था, जिसकी मदद से विराज बहुत कम समय में कलिंजर संस्थान पहुंच सकता था। विराज के वहां से चले जाने के बाद अंशुमान ने अपनी फौज को वसु परिवार के बंदियों को किले की तरफ लेकर चलने का हुक्म दिया। सेनापति का आदेश मिलते ही फौज वसु परिवार के बंदियों को लेकर किले की तरफ चल पड़ी। साथ में पैनी नजरों के साथ चौकन्ना गोल्डन पंख भी किले की तरफ उड़ चला। वसु परिवार के घरों के कुछ दूर जाने पर विराज एक खाली और शांत जगह पर चला गया। वहां पहुंचकर विराज ने सिस्टम से कहा, सिस्टम मेरा असाइनमेंट स्वीकार करे। विराज के ऐसा कहते ही सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने वसु परिवार का दमन असाइनमेंट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। आपको इनाम में 5 मौलिक पॉइंट्स और जीवन दर्शन पाने का एक मौका मिलता है। सिस्टम की आवाज सुनकर विराज अंदर तक निराशा से भर उठा। वो सोचने लगा, हे भगवान, इस बार तो सिस्टम ने सच में काफी कम इनाम दिया है। लगता है कि मेरे इस मिशन का सिस्टम ने कम मूल्यांकन किया है। मतलब जब तक मेरी जिंदगी गंभीर रूप से संकट में ना आ जाए, तब तक सिस्टम का दिल नहीं पसीजेगा। यह सिस्टम भी कभी कभी बहुत क्रूर हो जाता है। खैर, कुछ ना मिलने से तो कुछ मिलना हमेशा से ही बेहतर होता है। हालांकि विदिशा से वसु परिवार के नष्ट होने के इनाम से बढ़कर विराज के लिए कुछ नहीं था। विराज अंशुमान और गोल्डन पंख की मदद से विदिशा के वसु परिवार की सारी संपत्तियां हासिल करने में कामयाब रहा था। इसके साथ ही वसु परिवार के लोगों को रुद्र और चंद्रवंशी परिवार को तोहफे में देने पर उनसे भी बदले में कुछ ना कुछ इनाम विराज को अवश्य ही मिलता। इसके साथ ही कलिंजर अंपायर में इस घटना से वसु परिवार का नाम काफी खराब होने वाला था। इसीलिए भले ही सिस्टम से विराज को मन माफिक इनाम नहीं मिला था, फिर भी उसके इस कदम से उसे कई सारे लाभ हासिल हो गए थे। ये सब सोचने के बाद विराज तेजी से कलिंजर संस्थान के कार्यालय की तरफ चल पड़ा और कुछ ही देर में वो अंगिरा के घर के बाहर खड़ा था। विराज ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, पिछली बार की तरह ही कनव ने दरवाजा खोला। कनव वही दानव था जिसके साथ विराज की पिछली बार थोड़ी कहासुनी हो गई थी। कनव एक दानव था जिसके जिन में परिवर्तन कराने के लिए अंगिरा ने विराज से दानव जिन नाशक गोली ली थी। विराज ने देखा कि दानव जिन नाशक गोली की मदद से कनव के अंदर मौजूद लोमड़ी प्रजाति के सारे जिन समाप्त हो चुके थे। दानव जिन नाशक गोली के प्रभाव से दानव प्रजाति के खून के सभी नामो निशान कनव के अंदर से गायब हो चुके थे। कनव जिसके अंदर दानव प्रजाति के खराब जिन आ गए थे, विराज की दानव जिन नाशक गोली की मदद से वो समाप्त हो गए थे। ऐसे में विराज और कनव की मुलाकात क्या नए गर्म संबंधों को पैदा करने वाली थी? विराज कलिंदर संस्थान जाने वाला था, तो कलिंदर संस्थान पहुंचने पर वहां क्या क्या होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान, ओनली ऑन पॉकेट FM। सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 200, कलिंजर संस्थान। विदिशा में वसु परिवार पर सफलता पाने के बाद विराज कलिंजर संस्थान जाने के लिए निकल पड़ा। विदिशा में कलिंजर संस्थान का कार्यालय ऐसी जगह थी जहां पर रचनाकार टेलीपोर्टेशन मौजूद था। विराज कलिंजर संस्थान के विदिशा के गाइड अंगिरा के घर पहुंच गया। वहां पर दानव प्रजाति के कनव से दरवाजे पर मुलाकात हुई। विराज ने देखा कि कनव के अंदर अब दानव प्रजाति का कोई भी जिन या रक्त संबंध नहीं बचा था। ये देखकर विराज को काफी खुशी हुई कि उसकी दी गई दानव जिन नाशक गोली ने बढ़िया असर किया है। कनव ने जब विराज को सामने देखा तो उसका स्वागत करते हुए सम्मान के साथ उसे अंदर लेकर आया। पिछली बार जब विराज और कनव का आमना सामना हुआ था तो कनव बहुत ही उखड़ा हुआ व्यवहार विराज से कर रहा था, लेकिन इस बार कनव का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था।
विराज की वजह से कनव की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन संभव हो सका था। कनव ने विराज को कलिंदर संस्थान जाने के लिए सारी व्यवस्था कर दी। अंगिरा संस्थान के किसी काम से कहीं बाहर गए हुए थे। विराज रचना का टेलीपोर्ट से होकर कलिंदर संस्थान के लिए रवाना हो गया। कुछ ही देर में वो कलिंदर संस्थान के रचना का टेलीपोर्ट टावर में प्रकट हुआ। विराज जैसे ही रचना का टेलीपोर्ट टावर से बाहर आया तो सोने के पंख लिए एक पक्षी विराज के सामने आकर खड़ा हो गया। वो पक्षी विराज के सामने आते ही इंसानी आकृति में आ गया और उसने विराज से पूछा, विराज गोल्डन पंख कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं दिख रहा? गोल्डन पंख ठीक तो है ना? उस इंसान को देखकर विराज चौंक गया। उसने उस इंसान के वहां उस समय होने की उम्मीद नहीं की थी। वो इंसान भयमुक्त अमर संस्थान के वाइस डीन कपिलाचार्य थे। विराज जिस समय दफन स्वर्ग की दलदल से बाहर निकला था तो वो सीधे भयमुक्त अमर संस्थान जा पहुंचा था। वहां गोल्डन पंख ने प्रहलाद प्रजाति के जीव में लगभग रूपांतरण किया। उस समय कपिलाचार्य की आज्ञा लेकर विराज गोल्डन पंख को लेकर कलिंदर संस्थान लौट आया। कपिलाचार्य जो विराज के साथ आए थे वो कुछ समय राजधानी में ही रहे और फिर वो वापस भयमुक्त अमर संस्थान लौट गए। दूसरी ओर विराज गोल्डन पंख को प्राचीन स्वर्गीय भूमि ले गया। इसके बाद वर्धन परिवार की विरासत पाने के लिए लीमू प्रांत ले गया और फिर वहां से काल्पी सिटी आ गया। गोल्डन पंख की मदद से विराज ने ब्लैक फायर पाइथन धर्म की शाखा का नाश किया। कुछ दिनों बाद विराज गोल्डन पंख को लेकर विदिशा आ गया और विदिशा में वसु परिवार का नाश कर डाला और अब बिना गोल्डन पंख को लिए ही कलिंदर संस्थान वापस आ गया था। विराज ने उम्मीद नहीं की थी कि कपिलाचार्य की दृष्टि लगातार कलिंदर संस्थान पर थी और जैसे ही विराज कलिंदर संस्थान पहुंचा कपिलाचार्य को खबर मिल गई और वो तुरंत विराज के सामने आ धमके। गोल्डन पंख अभी विदिशा नगर में है, वहां रहकर वो मेरी किसी विशेष कार्य में मदद कर रहा है, विराज ने बिना कुछ छिपाए कपिलाचार्य को नमन करते हुए बताया। मैं 2 दिनों बाद विदिशा नगर वापस लौट जाऊंगा। अगर ज्येष्ठ चाहे तो मेरे साथ विदिशा नगर चल सकते हैं और गोल्डन पंख से मिल सकते हैं। विराज ने कपिलाचार्य को अपने साथ विदिशा आने का निमंत्रण दिया था। कपिलाचार्य एक दानव जीवन रस अमृत योद्धा थे और जल्द ही वो दानव जीवन रस अमृत स्तर को भी पार करने वाले थे। अगर कपिलाचार्य विदिशा नगर आते तो विदिशा नगर की वो सभी शक्तियां जो वसु परिवार की संपत्तियों पर लालची निगाहें रखी हुई थी, वो सभी कपिलाचार्य की शक्ति को देखकर अपनी हसरतें मन में ही दबाकर रख लेती। ऐसी जगह जहां पर मार्शल सम्राट स्तर का योद्धा शक्तिशाली समझा जाता था, वहां पर दानव जीवन रस अमृत योद्धा का सामना करने की तो कोई हिम्मत नहीं कर सकता। कपिलाचार्य ने गहरी नजर से विराज को देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ विदिशा नगर चलूंगा। मुझे देखना है कि कहीं गोल्डन पंख की मार्शल समता में किसी तरह की कोई रुकावट तो नहीं आ रही। ये उसका बहुत नाजुक समय चल रहा था। हल्की सी लापरवाही और उसकी मार्शल क्षमता एक ही जगह पर अटक कर रह जाएगी। हालांकि कपिलाचार्य विराज के मन के भावों को भी समझ रहे थे कि विराज उन्हें एक सुरक्षा छतरी की तरह विदिशा नगर में उपयोग में लेना चाहता था, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था जब तक कि उनकी दानव प्रजाति का उनके संस्थान को इससे किसी तरह का कोई खतरा न हो। भयमुक्त अमर संस्थान में गोल्डन पंख का एक अलग ही दर्जा था। गोल्डन पंख का प्रहलाद प्रजाति में पूर्ण रूपांतरण सफलतापूर्वक करवाना भयमुक्त अमर संस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। यही कारण था कि विराज को अमर संस्थान की तरफ से काफी रियायतें मिल जाती थी। जैसे कि विराज जब कुछ समय के लिए गोल्डन पंख को अपने साथ ले जाना चाहता था तो उसे कपिलाचार्य की अनुमति मिल गई। गोल्डन पंख की खातिर कपिलाचार्य विराज के साथ विदिशा नगर आने तक के लिए सहमत हो गए थे। कपिलाचार्य की हां सुनकर विराज के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। विराज से मिलकर कपिलाचार्य रचना का टेलीपोर्ट टावर से वापस भयमुक्त अमर संस्थान चले गए। विराज वहां से संस्थान के अंदर आ गया। संस्थान में आते ही विराज अयान और विपुल को खोजने लगा।
उसे उन दोनों से वसु परिवार के बनाए गए बंदियों को लेकर बहुत जरूरी बात करनी थी। विपुल और अयान भी खुद फैसला लेने की स्थिति में नहीं थे, उन्हें भी अपने परिवार वालों से इस बारे में बात करनी थी। इसीलिए विराज उन दोनों से जल्द मिलकर इस मामले में बातचीत करना चाहता था। इनाया और बाकी लोग कई दिन पहले कलेंजर संस्थान लौट चुके थे। उनके संस्थान लौटने के साथ ही यह खबर कि उन्होंने ब्लैक फायर पाइथन धर्म की एक शाखा को नष्ट कर दिया वो भी संस्थान में पहुंच गई थी। इस खबर ने संस्थान के अंदर भारी खलबली और रोमांच का माहौल पैदा कर दिया था। काल्पी सिटी के नजदीक ब्लैक फायर पाइथन धर्म के ठिकाने के सफाई को लेकर न जाने कितनी ही कहानियां वहां हवा में चारों ओर कई दिनों तक तैरती रही। अयान, विपुल और यश ने संस्थान के अंदर सभी विद्यार्थियों को ब्लैक फायर पाइथन धर्म के लोगों के साथ हुए अपने युद्ध के बारे में विस्तार से बताया था। साथ ही इस लड़ाई में जीत का श्रेय विराज को दिया था। सारा संस्थान उन सभी की इस उपलब्धि को सराह रहा था। इन हालातों में जब विराज संस्थान के अंदर पहुंचा तो संस्थान के विद्यार्थियों का कौतूहल अपने चरम पर पहुंचने लगा और वो विराज को आस भरी नजरों से देखने लगे। वो सभी विद्यार्थी विराज के नजदीक जाकर उससे बात करने में दिलचस्पी ले रहे थे। हालांकि विराज के गंभीर व्यक्तित्व के कारण कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था। विराज इस बात से अचंभित हो रहा था कि संस्थान का हर विद्यार्थी उसे एक अलग ही नजर से देखे जा रहा था। वो तेजी से गोली संस्थान के अंदर अपने कमरे में आ गया। विराज के संस्थान में लौट आने की खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई विराज के बारे में ही बातें करने लगा। अयान, इनाया, विपुल, यश और अमायरा को जैसे ही विराज के संस्थान में आने के बारे में सूचना मिली तो वो सभी तेजी से विराज के कमरे की ओर दौड़ पड़े। विराज के कमरे के अंदर दाखिल होते ही इनाया ने पूछा, विराज तुम अचानक से इतने लंबे समय के लिए कहां गायब हो गए थे? इनाया कहीं ना कहीं विराज की इस बचकाना हरकत से नाराज थी कि विराज बिना किसी से कुछ कहे ऐसे ही गायब हो गया था। इनाया का गुस्सा भांप कर विराज ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, मैं क्षमा चाहूंगा दी, मैं मार्शल तकनीक का अध्ययन करने के लिए तारों की छाव में चला गया था। वहां पर अध्ययन करते हुए 7 दिन कब निकल गए मुझे मालूम ही नहीं चला। मुझे तो लगा था कि कुछ ही समय हुआ है, बाहर आने पर पता चला कि 7 दिन बीत चुके थे। विराज का जवाब सुनकर इनाया ने कुछ नहीं कहा। विराज के गायब हो जाने के बाद इनाया को आभास हो चुका था कि विराज तारों की छाव में ही गया था। उसी समय अयान, विपुल, यश भी वहां आ गए। विराज को देखते ही अयान ने चौंकते हुए पूछा, विराज तू 5th ग्रेड मार्शल आत्मा योद्धा बन चुके हो? विराज ने जवाब दिया, मैं तारों की छाव में रहकर अपनी मार्शल तकनीक की साधना कर रहा था, जिस वजह से मेरा मार्शल लेवल तेजी से बढ़ सका। अयान, विपुल और यश वो तीनों ही लंबे समय से देख रहे थे कि विराज हर कुछ समय पर अपना मार्शल लेवल बढ़ा ही लेता था। वो सभी लाचार भरी नजरों से विराज को देखने लगे। हल्की जलन उनके दिलों में उठने लगी। उनके लिए ये बात समझ पाना नामुमकिन था कि कोई कैसे हर कुछ दिन में अपना मार्शल लेवल बढ़ा सकता था, जबकि सामान्य विद्यार्थी को तो अपना मार्शल लेवल बढ़ाने में महीनों और कई बार तो सालों लग जाते थे। विराज ने अयान और विपुल की ओर देखकर कहा, मुझे आप दोनों से कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। अयान और विपुल इस समय विराज की बेमिसाल प्रतिभा से हतप्रभ हुए जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने विराज की इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अमायरा, जो कि 4th ग्रेड एल्केमिस्ट थी और इस बात से कम प्रभावित थी कि विराज हर कुछ दिन में अपना मार्शल लेवल बढ़ा लेता था, उसने विराज से पूछा, विराज तुम्हें वैसे अयान और विपुल से क्या जरूरी बात करनी थी? विराज की मार्शल क्षमता से ज्यादा रुचि अमायरा को इस बात में हो रही थी कि विराज को आखिर उन दोनों से क्या जरूरी बात करनी थी। अमायरा के सवाल पर विराज ने जवाब दिया, ये मामला वसु परिवार से जुड़ा है। अपने एकांतवास से वापस आने के बाद मुझे मालूम हुआ कि 7 दिन बीत चुके थे और आप सभी लोग संस्थान वापस आ चुके थे। उस समय मैं विदिशा नगर चला गया था।
और वहां मैंने विदिशा नगर में रहने वाले वसु परिवार का जड़ से सफाया कर दिया। उस दौरान वसु परिवार के कई लोगों को मैंने बंदी बना लिया, जिसमें एक 9th grade मार्शल सम्राट योद्धा भी शामिल है। मैं सीनियर अयान और सीनियर विपुल से जानना चाहता था कि क्या उनके परिवार वसु परिवार के उन बंदियों को लेने में किसी भी तरह की दिलचस्पी रखेंगे। वसु परिवार के बंदी? ये सुनते ही विपुल की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत पूछा, वैसे तुम्हारे पास वसु परिवार के कितने बंदी हैं? उसी समय अयान ने कहा, वसु परिवार में मार्शल सम्राट स्तर के ज्यादा योद्धा नहीं है। विदिशा में रहने वाले मार्शल सम्राट योद्धा दरअसल वसु परिवार का सातवां भाई है। उसकी क्षमता काफी ज्यादा है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि विराज इतने शक्तिशाली योद्धा को बंदी बना लेगा। अयान की बात सुनकर अमायरा ने गुस्से से कहा, विराज ने गोल्डन पंख की मदद से उस योद्धा को पकड़ा था। हालांकि अमायरा ने खुद कभी गोल्डन पंख को नहीं देखा था, लेकिन उसने इनाया से गोल्डन पंख के बारे में काफी कुछ सुना था और इसी से उसने आकलन कर लिया था कि विराज का हर कदम पर गोल्डन पंख साथ दे रहा था। अयान ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे हाँ, मैं गोल्डन पंख के बारे में तो भूल ही गया था। तुम चिंता मत करो विराज, हम अपने अपने परिवारों से बात करके तुम्हें बताते हैं कि वसु परिवार के इन बंदियों के साथ क्या किया जा सकता है। आखिर विराज, अयान और विपुल वसु परिवार के बंदियों के साथ क्या करने वाले थे? बंदियों में वसु परिवार की इशिका वसु भी थी, जो कि एक प्रतिभावान युवा थी। विराज उसके साथ क्या करने वाला था? क्या वो इशिका वसु को विपुल और अयान को देने वाला था, या फिर खुद ही इशिका वसु को अपने पास रखने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान, ओनली ऑन पॉकेट FM।